चुनाव होता है, ठीक है, 403 सीट है उत्तर प्रदेश में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता है, ठीक है, 255 सीट जी के बीजेपी मतलब चुनाव जीत लेते हैं। 117 सीट के लिए पंजाब में चुनाव हुआ, ठीक है, आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता है, 92 सीट का बहुमत मिलता है। उत्तराखंड में 70 सीट के लिए चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सरकार बनाने में सक्षम रही, पुष्कर सिंह धामी की सरकार बनी, बीजेपी को 47 सीट मिले। गोवा में बात करते हैं, 40 सीट के लिए गोवा में चुनाव हुआ, जो कि अपवाद है, ठीक है। विधानसभा के न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए, आज के हाँ क्लास में टेन इसे बताऊंगा, 60 होना चाहिए, ठीक फोर है। गोवा अपवाद है, दूसरा अपवाद कौन सा है, गोवा के अलावा कौन सा अपवाद है, क्या बताएंगे? सिक्किम सिक्किम गोवा के अलावा सिक्किम अपवाद है, ठीक है। सिक्किम में विधानसभा के सीटों की संख्या कितनी है? 40 40 32 से कम, चालीस और 32 गो है, कितनी हाँ है? 32 है 32 गो सर, है, वेरी गुड, 32 ठीक है, 32 गो है, ठीक है। मणिपुर में पूरा पूरा 60 गो, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो मणिपुर में, ठीक है, दो चरण में चुनाव करना पड़ा, बीजेपी की सरकार यहाँ पे बन गई, ठीक है। तो 5 चरणों में चुनाव होता है, ठीक है, 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होता है, जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार केवल पंजाब में बनेगी, और सभी जगह कहाँ बन जाएगी, तो बीजेपी की सरकार बनेगी, ठीक है। फिर से 5 राज्यों में चुनाव होगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, ठीक है, मिजोरम में और तेलंगाना में, ठीक है। जितने भी मतलब हिंदी भाषी राज्य है अभी वर्तमान में चुनाव, सब में बीजेपी की सरकार बनी, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी, और तेलंगाना में कांग्रेस हारने के बाद पूरी तरीके से दक्षिण भारत से, ठीक है, बीजेपी की मतलब क्या हो गई, वॉकआउट कर गई, मतलब हट गया पूरी तरीके से वहां पे, ठीक है। चलिए, पीडीएफ के लिए आप लोग क्या करो, चैनल को ज्वाइन कर लो, जहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ग्रुप में चैनल डाला हुआ है, ठीक है। उसके अलावा बिहार एसआई से संबंधित बहुत सारा पीडीएफ है, एडुटेरिया का 15 गो सेट है, सभी लोग जरूर बना लीजिएगा, तो मैं डिस्कशन करा दूंगा लास्ट के 1-2 दिन में, स्पेशल क्लास लेके सारा 15 सेट का डिस्कशन करा दूंगा, एक एक क्लास एक में दिन सभी हम लोग एक का दिन हाँ डिस्कशन करवा मिक्स देंगे, कर मिक्स करा दीजिए सब करवा देंगे ग्रुप आप लोग, में बना हाँ लीजिए, एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 हम डाल दिए, आप लोग बना लीजिए, हम डिस्कशन करा देंगे, इट्स माई प्रॉमिस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो आपको राज्य का राजधानी की और तो कुछ निर्माण साल पढ़ लेते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, क्या बताएंगे, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बताइए, ईटानगर ईटानगर सर ईटानगर, ईटानगर 1987 में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला जानते, निर्माण कब हुआ था? ये त्रिपुरा 72 में सर 72 में, ठीक है, ममेत्री मणिपुर भी 72 तीन को 72 जो है में, ठीक है, मेघालय भी 72 में, ठीक है। ये सारे के सारे राज्य है जो कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट राज्य है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में 8 राज्य आपको मणिपुर देखने को मिलते मेघालय हैं। त्रिपुरा सेवन ममेत्री सिस्टर में कौन 72 सा राज्य नहीं आता, सेवन सिस्टर में? सिक्किम सिक्किम, सिक्किम नहीं सिक्किम जो आता है है आपको सेवन सिस्टर में आपको नहीं आएगा, बाकी सारे के सारे राज्य है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट राज्य की राजधानी के अलावा कभी कभी उसका साल पूछा जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर 87 में बना, त्रिपुरा का अगरतला 72 में बना, नागालैंड का कोहिमा 63 में बना, नागालैंड, मणिपुर का इम्फाल है 72 में बना, मिजोरम का आइजोल है 87 में बना, असम का दिसपुर है 50 में बना, ठीक है, मेघालय का शिलोंग है, ठीक है, जिसको पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं, ठीक है, 72 में बना, सिक्किम का गैंगटॉक है 75 में बना, ठीक है, 75। कौन सा संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को भारतीय संघ में उन्नीस शामिल सौ किया गया, पैंतीस कौन सा समय, पैंतीसवा 36वीं, पैंतीस चौतीसवा अधिनियम था 35वां संवैधानिक संशोधन के करके सिक्किम को पैंतीस सहराज्य बनाया गया, ठीक है, 34वां संविधान, 35वां में सहराज्य बनाया गया, ठीक है, 35वां संवैधानिक संशोधन करके, ठीक है, सहराज्य बनाया गया, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, 36वां संवैधानिक संशोधन करके पूर्ण राज्य का दर्जा देके भारतीय संघ में इसको मिलाया गया, ठीक है। आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, कभी कभी कुछ नहीं, वही है, वो पीछे मत सेट जाइए में आप, ठीक है। कभी-कभी सिक्किम, 35 देता अरे 35 में उसके दूसरा किया गया था, मिला लिया गया था सिक्किम को, है मिला ठीक लिया है, गया वो था नाइन, सारा ठीक राज्य है, ठीक है ठीक चलिए, सह राज्य में मिला लिया गया, ठीक है। ओ, लेकिन भारत के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो 1975 होगा, ठीक है, 16 मई को सिक्किम दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य बना था, कब बना था, सर यहाँ पर ना, सर उन्नीस सौ कौन इकहत्तर में, क्या 71 ठीक था हुआ, यहाँ पर कौन इकहत्तर से में, ठीक, इंडिपेंडेंस सारा एग्जाम, सर ठीक है, सारा एग्जाम कवर किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये शिमला इसकी राजधानी है, और किससे बनी थी शिमला, किससे बनी थी ये, राजधानी बन गई किससे बनी थी ये, ठीक है, किससे कटकर बनी थी हिमाचल प्रदेश, आसाम से सॉरी पंजाब सॉरी से, हरियाणा ठीक से है, पंजाब पंजाब से, से ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सारे के सारे उत्तर भारतीय राज्य है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जिसमें से बात करेंगे उत्तराखंड की राजधानी की बात करेंगे, गैरसैंण बनने जा रही है, ठीक है, 2000 में राज्य बनी थी, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, ध्यान में रखेंगे।
एयर सेट तो ठीक है, गर्मी में जाती है ना सर, राजधानी। दोनों वही है, हुआ, गर्मी और गैरसन दोनों है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसन दोनों है। हरियाणा की बात करेंगे, चंडीगढ़ 1966 में बनी थी, या उत्तर प्रदेश की बात करेंगे 1950 में बनी थी। इनको सबसे पहले उत्तर प्रदेश की यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे, संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, तो वही यूनाइटेड प्रोविंस, वही यूपी बन गया, यूपी से उत्तर प्रदेश बन गया। बिहार सर 1912 में राज्य बनी थी। अब 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हो, क्या बताएंगे? बिहार दिवस और बिहार जल दिवस और दिवस। जल दिवस। झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड 15 नवंबर को बनी थी। 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते, क्या बताएंगे? जनजातीय जनजातीय गौरव गौरव दिवस। कौन सा दिवस? जनजाति गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है, ध्यान रखें। 2000 बनी थी, ठीक है, हल्ला कम होना चाहिए, ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, 1950 में बनी थी, ठीक है, राजधानी कोलकाता है, ठीक है। सर बोल रहे उड़ीसा हैं की कि राजधानी भुवनेश्वर, कहाँ है? पश्चिम बंगाल का है और उड़ीसा का भुवनेश्वर। बोल बेश्वर रहे है सर, कि उड़ीसा का। अलग हुआ था सर, मतलब दो राज्य में, हाँ, झारखंड और बिहार, जिसमें 1912। 1912 में झारखंड भी शामिल था, बंगाल ओडिशा से भी शामिल था। 1936 में सबसे पहले ओडिशा अलग होगा, फिर से 2000 में जाके फिर से मतलब बिहार अलग हो जाए, झारखंड अलग हो जाएगा 1936 में। और जब 1912 में जब बिहार जब अलग होता बंगाल से, तो ओडिशा भी इसमें सम्मिलित था, ठीक है। उड़ीसा और क्या झारखंड सम्मिलित था दोनों। इसमें, तो झारखंड भी सम्मिलित था, लेकिन 1936 में ओडिशा अलग होगा, और फिर से जाके मतलब इसमें, ठीक एक है, अप्रैल फिर अलग होगा 36 2000 उत्कल में। दिवस वही है ना। हाँ, उत्कल दिवस मनाते हैं, ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। उत्कल तट भी आपको दिख जाएगा, कहाँ पे दिखेगा उत्कल तट, तो यहीं पे दिखेगा, उड़ीसा में ठीक सर है। बिहार, उसके बाद सर बोल रहे मध्य हैं कि प्रदेश, सुनिए हाँ सर, बोलिए। झारखंड में ज्यादा आदिवासी लोग SC ST रहता है या OBC, कुछ इसके बारे में जानना। खुद ही बोले आदिवासी लोग रह रहे, आदिवासी लोग ST में आएगा कि OBC में आएगा, सो बताइए आप हमको। खुद ही बोले आदिवासी लोग रहते हैं, आदिवासी लोग किसमें आएंगे आप? सॉरी सॉरी, आपको क्या लगता होगा, OBC रहता होगा झारखंड में कि SC ST की ज्यादा संख्या होगी, आपको क्या लगता है? हमको तो नहीं पता सर, हम अंदाज लगा रहे हैं तो। ST की संख्या अच्छी खासी झारखंड में, आदिवासी लोग रहेंगे तो ST ही होंगे ना। चलिए मध्य प्रदेश की बात करेंगे, ठीक है, उन्नीस सौ छप्पन में सर बना था। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, 2000 छत्तीसगढ़ के अलावा, ठीक है, झारखंड, झारखंड के अलावा एक और राज्य भी 2000 ईस्वी में बना था, कौन सा राज्य था? उत्तराखंड। कौन सा था? उत्तराखंड था, ठीक है। 1 नवंबर 2000 को नवंबर छत्तीसगढ़ बसता है, ठीक है। उसके बाद करेंगे 15 नवंबर की बात करेंगे, ठीक है, तो आपको झारखंड बनता है। फिर 9 नवंबर की बात करेंगे तो उत्तराखंड बनता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान 1949 में बनता है। गुजरात की बात करेंगे तो 1960 में बनता है, ठीक है। किससे कटकर बनता है गुजरात? बॉम्बे से कटकर बनेगा। किससे? महाराष्ट्र से। नहीं, महाराष्ट्र नहीं, बॉम्बे से कटकर बनेगा, ठीक है, गुजरात। उसके बाद वो महाराष्ट्र बनता है, महाराष्ट्र नहीं, बॉम्बे राज्य पहले हुआ करता था, ठीक है, महाराष्ट्र अच्छा बाद में बना, ठीक है। चलिए महाराष्ट्र की बात करेंगे, 1960 में महाराष्ट्र बना है। बॉम्बे का दो टुकड़ा, एक गुजरात बनेगा, दूसरा महाराष्ट्र बनेगा, ठीक है। बॉम्बे कर्नाटक की बोल बात करेंगे, 1956 में। गोवा सर, की ये बात करेंगे, बोल रहे कि बॉम्बे बोलते हैं कि गोवा 87। बॉम्बे बोलते हैं, ठीक है। 1994 में उसका नाम मुंबई पड़ा था, ठीक है। पहले बेसिक क्लियर कीजिए पहले, ठीक है। लूसेंट पढ़े आप? लूसेंट मैं सर कुछ नहीं पढ़े, पहली नहीं बार पढ़े तो पढ़े। पढ़ कर आइए, ठीक है। आप जो है ना बीसी, हमको लगता है इसलिए टेलीग्राम पे, क्योंकि ग्रुप होता है चैट वाला ग्रुप, ठीक है, जहाँ पे कुछ महिला और कुछ पुरुष जाते हैं, विभिन्न प्रकार की बात करते हैं, वहीं से लगता है। आप चाहे आईडी भी आपका वैसे ही दिख रहा है, पढ़ कर आइए। तमिलनाडु की बात सर करें, कब क्या क्या बना? बोलते है, बहुत सारा वैसा हैं ग्रुप है, हमको भी कोई कोई ऐड कर देता है उसमें, दो चार सही बच्चा बोलते रहेगा उसमें, ना और विभिन्न सर, प्रकार का दिन भर का डिस्कशन एक उसमें करोड़ होते ग्रुप रहता है, है, एक करोड़ ग्रुप है, एक करोड़। ऐसा बहुत ठीक सारा ग्रुप है, बोल अच्छा रहे खासा सर। मेंबर भी रहता है। और उसमें और उसमें उस लोग का आईडी देखेगा ना, तो सर चकरा जाएगा, क्या क्या लिखा रहता है, दिल से लेके इतना पता ही बड़ा नहीं बड़ा चलेगा। हाँ अजीब अजीब टाइप के नाम लिखा रहता है, ठीक है, भूल जाइएगा आप क्या लिखा हुआ है। और एक दो आईडी नहीं, सारा का सारा आईडी ही आपको इसे दिखेगा, किसी का नाम मतलब सीधा नहीं होगा, ठीक सुनिए है। सुनिए, सही बात कर रहे। मेरा लिखा हुआ कुछ गलत नहीं है, यकीन ना तो आप पढ़ लीजिए। और बात रहा कि उल्टा पुल्टा का, तो उल्टा पुल्टा हम आदमी नहीं है, पहले बता दे रहे नहीं, आदमी आप सही है, ठीक है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, एक बार लुसेंट पढ़िए, नहीं तो 3 बजे आया कीजिए, लुसेंट का क्लास होता है, ठीक है, समझ गए ना। 8:30 बजे क्लास होती है, लुसेंट की क्लास, आपके बारे में मैं नहीं बताया हूँ, और लोगों का कंपेयर करके मैंने बताया है। और आप 3 बजे आया कीजिए, लुसेंट पढ़िए, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। चलिए देखिए, क्लियर हुआ है ये, हाँ, ये सब आदमी दफा ने तीन सौ उल्टा दो लगना चाहिए आपके ऊपर, ठीक
ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी बन गई है ठीक है, लेकिन जिस समय आंध्र प्रदेश 1953 में जब राज्य बना था तो उस समय इसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? क्या था कर्नूल, कर्नूल। क्या था इसकी राजधानी? कर्नूल था। हाँ ठीक है, कर्नूल। चले तेलंगाना की बात के हैदराबाद 2014 में राज्य बना, 2 जून 2014 में राज्य बना है ठीक है। यहाँ पर भी हाल फिलहाल में क्या हुआ? चुनाव हुआ है ठीक है, ध्यान चुनाव में रखेंगे हुआ ठीक है। चले जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, जम्मू कब आए? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल की पास करेंगे ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को पेश किया गया। दो राज्य बन जाएंगे, जम्मू कश्मीर एक लद्दाख बनेंगे, दोनों को दोनों के शासी राज्य की दर्जा दी जाएगी, दोनों का दोनों सेम तारीख। नई दिल्ली की बात करेंगे ठीक है, राजधानी दिल्ली की नई दिल्ली, पुडुचेरी की पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट बेलर जानते ही है ठीक है, ये आप याद रखिएगा ठीक है। चंडीगढ़ बना था 1966 में बना था, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी। दादर और नगर हवेली दमन दू ठीक है, दोनों का मिला दिया गया था ठीक है, इसकी राजधानी दमन बनाई गई 2000 ईस्वी में ठीक है। लक्षद्वीप के कैप्टन 1956 में। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न यहाँ से बन जाएगा ठीक है, जैसे कि से आप हमें ये बताओ ठीक है, सबका राज्यपाल एग्जाम में पूछता है ठीक है, अब इसका चेंज हुआ है ठीक है। असम का राज्यपाल कई बार पूछा है, क्या है असम का राज्यपाल? कटारिया है, गुलाब चंद कटारिया। फागु चौहान बिहार का राज्यपाल हुआ करते थे, कहाँ का राज्यपाल मान दिया फागु चौहान को? अभी मेघालय का मेघालय राज्यपाल बना चले लिया गए, ठीक है। बिहार से सिक्किम का मेघालय। राज्यपाल कौन है? सिक्किम का राज्यपाल लक्ष्मण लक्ष्मण आचार्य। अब मुख्यमंत्री के साथ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, मुख्यमंत्री तो हमेशा नहीं न्यूज में नहीं आते रहते हैं, तो मुख्यमंत्री तो सब याद होना चाहिए ठीक है। नेफ्यूरियो कहाँ के मुख्यमंत्री थे, हालांकि उस राज्य में अभी चुनाव हुआ? नेफ्यूरियो मिजोरम था क्या? नेफ्यूरियो नागालैंड। नागालैंड के थे, कहाँ के थे? अरे नागालैंड दोहरा के ठीक है। गया। हाईएस्ट सर्विंग, हाईएस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर कौन है? हाईएस्ट सर्विंग जो कि सबसे अधिक दिनों तक मतलब अपना सेवा दिया है। सर झारखंड का कौन राज्यपाल? अभी सर नवीन ये उड़ीसा वाला थे सबसे पवन अधिक। चलिए, कर्जन। नहीं हाँ नहीं सबसे अधिक पवन पवन चामलिंग हो चामलिंग जाएंगे थे, ठीक है, लेकिन उसको भी हमको लग रहा पीछे कर दिया था। अभी नहीं किए हैं पीछे, ये दो नंबर मिकी पीछे ठीक है। झारखंड के राज्यपाल भी हेमंत सोरेन ठीक है, हेमंत सोरेन ठीक है, सॉरी राज्यपाल है हेमंत कि सोरेन तो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री है, है? सॉरी सॉरी जी हेमंत, जी सीपी रविवार राधा कृष्णन होंगे, हेमंत सोरेन तो मुख्यमंत्री है ठीक है। ठीक है, हेमंत सोरेन की बात करेंगे दास जो मुख्यमंत्री, गए सर क्या वो बात कहाँ कहाँ चले चले गए? गए? उड़ीसा, मतलब राज्यपाल बना दिया गया उड़ीसा ठीक का है। आप लोग राज्यपाल क्या बने हैं। करो, आप लोग एक बार क्या कीजिएगा ना, इसको देख लीजिएगा एग्जाम, या तो राज्यपाल या फिर, रघुबर दास और सबको पता है मुख्यमंत्री थे, उड़ीसा के राज्यपाल बनाए गए, फालतू क्वेश्चन मत कीजिए ठीक है। रघुबर दास उड़ीसा के, झारखंड के मुख्यमंत्री थे, किसे नहीं पता है। अब ये मैटर बनता है रघुबर दास कहाँ के राज्यपाल बनाए गए, सो इम्पोर्टेंट है ठीक है। उड़ीसा के स्वयं राज्यपाल बन गए ठीक है, नवीन पटनायक वहां के सीएम है जो कि बीजू दल से आते हैं ठीक है। चलिए ये कुछ विशेष नहीं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार ठीक है, ये ध्यान में रखें। हाँ तमिल साई सुंदरराजन की बात करेंगे तो तेलंगाना के राज्यपाल बनाया गया है, के चंद्रशेखर राव की सरकार हार गई है, लगातार 2 बार से चुनाव जीत रही थी, अब जाके मतलब 14 में राज्य बनाना, तो 14 से 19 से लेके फिर मतलब 24 तक मतलब 23 के लास्ट तक मतलब यही रहे थे चंद्रशेखर राव, लेकिन अब जाके चुनाव जो तेलंगाना में ये हार गए ठीक है, चंद्रशेखर राव साहब ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब इनकी केसीआर, केसीआर के नाम से जानते हैं इनको ठीक है, केसीआर के नाम से जानते हैं, चुनाव हार गए, किनकी सरकार बनी है? केसीआर एआईएमएम से हमें मिला हुआ नहीं पता है आईएम से मिला हुआ है कि नहीं ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, आप चलेंगे उच्च न्यायालय की बात करेंगे ठीक है, आप हमें ये बताइए ठीक है, कलकत्ता बताइए उच्च सर, न्यायालय की कल उच्च स्थापना कब हुई थी? न्यायालय का, उच्च कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायालय स्थापना का कब हुई थी बास बताइए? 1862 में ठीक है। बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? प्रेसिडेंसी 1862 1862 में ठीक है। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सेम 1862 1862 1862 में ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 66 1866 66 में ठीक है। जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी ना, तो इसका जो सेंटर जो बना था आगरा में बनाया गया था ठीक है, लेकिन बाद में जाकर इनको लखनऊ शिफ्ट किया गया ठीक है। 1775 कब शिफ्ट किया गया था याद नहीं है, लेकिन बाद में लखनऊ में शिफ्ट किया गया था ठीक है। कर्नाटक उच्च न्यायालय 1884 में, अब मुख्यालय की बात करेंगे बेंगलुरु में है ठीक है, ध्यान रखें कहाँ है इसकी मुख्यालय, तो मुख्यालय आप लोग जानते हैं बेंगलुरु में है ठीक है। अब यहाँ पे बॉम्बे उच्च न्यायालय से प्रश्न कभी कभी पूछ देता है, गोवा, दादर और नगर हवेली ठीक है, दमन और दीव ठीक है, इन सब का मतलब क्या है? राज्य का क्षेत्रीय अधिकारिता जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ठीक है। अगर पूछ देगा दादर नगर हवेली ठीक है एवं दमन दीव का हाईकोर्ट कौन है, तो क्या बताएंगे? बॉम्बे उच्च मुंबई न्यायालय है ठीक हाईकोर्ट है। अगर पूछेगा पुडुचेरी का कौन है, तो पुडुचेरी का मद्रास उच्च न्यायालय मद्रास ठीक है। ये कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है ठीक है।
बात करेंगे असम, देखिए चार राज्यों के आपको देखने को मिलेगा, सबसे अधिक राज्यों में यही आपको दिखेगा, चार राज्यों में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, सबका आपको दिखेगा गुवाहाटी, ठीक है। और गुवाहाटी की बात करें कब बना, 1948 में, असम राज्य भी 1948 में ही बना था, ठीक है, और साथ में हाईकोर्ट भी बनता है, ठीक है। खंडपीठ की बात करेंगे, खंडपीठ कहाँ पे, तो कोहिमा में है, आइजोल में, ईटानगर में इसका खंडपीठ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखेंगे, ठीक है, ये सारी चीजों का आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जयपुर की बात करेंगे तो राजस्थान उच्च न्यायालय का, राजस्थान में केवल आपको दिखेगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक उच्च न्यायालय है, जो कि आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों जगह पे इसका खंडपीठ आपको देखने को मिलेगा, लद्दाख में इसका हाल फिलहाल में खंडपीठ स्थापित किया गया, ठीक है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इसका राजधानी तो आपको देखेंगे कहाँ पे है, इसका मध्यपुर उच्च न्यायालय का राजधानी कहाँ पे है, सॉरी राजधानी तो इसका जानते हैं से आप लोग, मध्य प्रदेश का भोपाल है, लेकिन जबलपुर में देखने को मिलता है, ठीक है। राजस्थान वाला भी जयपुर में ना है, कहाँ पे देखने को मिलेगा, जोधपुर में। उड़ीसा वाला भी बात करें, कटक में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। असम का भी राजधानी में नहीं, लेकिन गुवाहाटी में आपको देखने को मिलेगा। इलाहाबाद का भी उसके राजधानी में नहीं, प्रयागराज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब कभी कभी प्रश्न पूछ देता है लोग, उसके राजधानी लगा के आते, गलत हो जाता है, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। तो अगर बात करेंगे छत्तीसगढ़ का भी आपको राजधानी में नहीं दिखेगा, ठीक है। उत्तराखंड का बात करेंगे, नैनीताल में है, ठीक है, वो भी नहीं। इसको शिफ्ट करने की बात चल रही, कहाँ पे शिफ्ट करने की बात चल रही है, हल्द्वानी में। कहाँ पे शिफ्ट करने की बात चल रही है, हल्द्वानी हल्द्वानी में शिफ्ट करने, रांची उच्च न्यायालय, ठीक है। सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक इसका मतलब वो है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोला जाता है सबसे अधिक में, एरिया, सबसे अधिक मतलब सबसे बड़ा मतलब इसका क्या है, एरिया, क्षेत्रफल की बात करेंगे मणिपुर सबसे पूरा बड़ा है, भारत ठीक में है। सबसे एरिया में बना है। इसका बात करेंगे ना, कहाँ पे क्या है, ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय सबसे अधिक जजों की संख्या वाला है, ठीक है, सबसे अधिक जजों की संख्या वाला यही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, याद रखना है इसको, ठीक है। दोनों को रिमूव करने दीजिए, कहाँ से आ गया ये लोग, चलिए AIM का बात यहाँ पे करता है ये सब आके। चलिए दिल्ली उच्च न्यायालय की बात करेंगे, हो गया यहाँ पे। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का विशाखापट्टनम में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ध्यान में विशाखापट्टनम रखेंगे। तो राजनीतिक पार्टी का बात करते हैं ना, अभी धार्मिक राजनीतिक पार्टी को तो हमको बहुत गुस्सा आता है, तुरंत हम उसको रिमूव कर देते हैं। वर्तमान भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, 25 ना, ठीक है, ध्यान में रखें, कितने 25 उच्च उच्च न्यायालय, न्यायालय है, पच्चीस पच्चीस उच्च न्यायालय, ठीक है, ध्यान में उच्च रखेंगे। सबसे न्यायालय पहली है। बार 1862 में तीन उच्च न्यायालय को स्थापना किया गया, कौन कौन उच्च न्यायालय था तो क्या बताएंगे, कोलकाता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च बिल्कुल, न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक है, तीनों प्रेसिडेंसी में तीन उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उसके बाद 1866 में चौथा उच्च न्यायालय स्थापित किया गया, जिसको हम लोग, ठीक है, प्रयागराज उच्च प्रयागराज। न्यायालय के नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसकी इसकी एक शाखा, सबसे पहली बार उसका मुख्यालय कहाँ पे था, आगरा में था, बाद में उसको प्रयागराज आगरा में में था, शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। भारत का शिफ्ट कर 24वां दिया उच्च न्यायालय की गया बात करेंगे तो भारत का 24वां उच्च न्यायालय की बात का हैदराबाद है, ठीक है, जो कि हैदराबाद, 2019 तेलंगाना में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से उच्च स्थापित न्यायालय हुआ है, ठीक है। भारत का 25वां उच्च स्थापित न्यायालय की हुआ। बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश है, जो कि 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया, ठीक है। तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय, तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। आप इसका, आप चीफ जस्टिस का नाम नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ अभी चेंज हुआ है, उसको देखना होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। विनोद चंदन साहब का ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जातिगत जब जनगणना हुआ तो उस समय इन्होंने ही मतलब जातिगत जनगणना पे रोक लगाया था, फिर से जाके मतलब इन्होंने परमिशन दे दिया, ठीक है, बस इतना आप ध्यान में रखेंगे। अब आता मुद्रा करवा दूं क्या, एग्जाम में जरूरी है, एक मुद्रा वाला क्वेश्चन पूछता है, करवा दे मुद्रा हाँ वाला, हाँ कि हाँ आप लोग करवा खुद कर दीजिए, लीजिएगा, करवा करवा लिखित करवा ही दीजिएगा, दीजिए करवा ना। दे, चलिए वेरी गुड। यस चलिए बताइए, भारत के बारे में तो आपको पता ही है, बताने की आवश्यकता नहीं, अगर नहीं पता है तो फिर दुख की बात है, लेकिन संसद का नाम बताइए, क्या भारतीय संसद का नाम, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। ठीक है। बांग्लादेश की बात करेंगे, मुद्दा का नाम टका है, संसद का नाम क्या है, जातीय संसद, इस जातीय चर्चा में क्या जातीय रहे थे, यहाँ पे संसद राष्ट्रपति भी ना बने, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बने मोहम्मद हैं, कौन बने शाहबुद्दीन हैं, चुप्पू, मोहम्मद मोहम्मद शाहबुद्दीन शहाबुद्दीन चुप्पू चुप्पू। बने हैं, ठीक है। अफगानिस्तान की बात करेंगे तो यहाँ का संसद का नाम शूरा है, इम्पोर्टेंट क्या था, शूरा का सोरा निर्माण जो था भारतीय फंड से ही किया गया था, ठीक है। और ये जो है तालिबान का नेता हाजी मुल्ला अब्दुल बरान अखंड, क्या क्या नाम है इसका, ठीक है, इसी ने मतलब तालिबान गवर्नमेंट का सरकार चला रहा अभी वहां पे, ठीक है। राजधानी काबुल है, भूटान का थिंपू है, ठीक है। मुद्रा कभी कभी पूछ देता है, क्या है मुद्रा भूटान का, क्या बताएंगे, बिल्कुल, न्यूग्लेटम जो है न्यूग्लेटम का मुद्रा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और यहाँ का बात करेंगे, यहाँ पे जिगमे खांगमा
खामगल वांगचुंग की बात करेंगे तो यहाँ का क्या है, तो यहाँ का मतलब क्या है, तो ध्यान में रखिएगा राष्ट्रपति है, ठीक है। पाकिस्तान की बात करेंगे, ठीक है, पाकिस्तान की बात, इस्लामाबाद है, पाकिस्तानी रुपया है, और यहाँ के संसद को क्या बोलते हैं, नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं। नेशनल असेंबली श्रीलंका का राजधानी बताइए, श्रीलंका का राजधानी कोलंबो नहीं है, कौन सा श्रीलंका का राजधानी, क्या बताएंगे, बिल्कुल श्री जवर्धने, ठीक है, श्री जवर्धने कोटे जो है यहाँ का है, ठीक है, श्रीलंकाई रुपया ध्यान में रखिएगा, पार्लियामेंट जो है यहाँ का संसद का नाम पार्लियामेंट है, ही संसद है ना इसका, बिल्कुल बिल्कुल। नेपाल की बात करें, राजधानी काठमांडू है, नेपाली रुपया, ठीक है, यहाँ का काठमांडू संसद का नाम क्या है, क्या बताएंगे, संसद का नाम राष्ट्रीय बताइए, बिल्कुल राष्ट्रीय क्या है, पंचायत बिल्कुल ना, ठीक है। तो संसद का नाम राष्ट्रीय क्या, राष्ट्रीय पंचायत। पंचायत, देखिए ये एसआई में आया चाहे नहीं आया, लेकिन ये बिहार एसएससी का रिकॉर्ड रहा है, एक मुद्रा, ठीक है, और एक आपका क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल वगैरह पूछ देता है, ठीक है, एशियन तो नहीं पूछेगा लेकिन पूछ रहा है, ज्यादातर अफ्रीकन वगैरह से देखा हूँ एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं, हालांकि अभी भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। म्यांमार का नापी ताव याद रखिएगा, ठीक है, मुद्रा का नाम क्या है, कयात है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अभी कयात यहाँ पे मिलिट्री रूल स्थापित हो गई है, ठीक है, आर्मी रूल यहाँ पे स्थापित हो गई है, ठीक है, यहाँ की एक बहुत ही प्रमुख है, ठीक है, नेत्री हुआ करते थे, जिनका नाम क्या था, आंग सान सूची, ठीक है, जिन्होंने किताब लिखा था, क्या नाम था उनकी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नहीं, वो किताब नहीं है, ठीक है, आंग सान सूची की किताब है, जो कि बहुत दिन तक वो जेल में रही है, ठीक है, डेमोक्रेसी के लिए संघर्षरत रही है, इनको नोबेल पीस अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। चीन का रेमबेबी, ठीक है, चीन का रेमबेबी है, अगर युआन ना रहे तो आप रेमबेबी कीजिएगा, ठीक है, पीपुल्स कांग्रेस की पार्टी है, शी जिनपिंग वहां के मतलब राष्ट्रपति है, जो कि मतलब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, तो इसको हटा ही दीजिए। मालदीव का माले है रुपया, ठीक है, संसद का नाम मजलिस है। रूस का तो आप लोग जानते हैं, रूबल जो है वहां का मतलब करेंसी है। राजधानी की बात करें, मास्को पता है आपको, ठीक है, सऊदी अरब की बात करेंगे तो यहाँ पे रियाद, ठीक है, और यहाँ पे बात करेंगे आपको, रियाल जो है सो करेंसी है, ठीक है, वहां के संसद को क्या बोलते हैं, मजलिस अल सुरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मजलिस अल सुरा के नाम से जानते हैं। माइक बंद कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कैनबरा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया डॉलर है, संसद को पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। अर्जेंटीना की बात करेंगे, अर्जेंटीना का जानते हैं, ब्यूनस आरियस है, ठीक है, यहाँ के करेंसी के नाम क्या है, ब्यूनस आरियस का करेंसी बताइए, क्या नाम है, अर्जेंटीना पेसो, ठीक है, अर्जेंटीना पेसो, ठीक है, ध्यान रखें। यूक्रेन की बात करेंगे, यूक्रेन की राजधानी कीव है, ठीक है, चर्चा में रहा है कीव शहर, ठीक है। करेंसी की बात करेंगे, यूक्रेनियन रिविनिया, ठीक है, ध्यान, इंडोनेशिया का तो जानते हैं, राजधानी चेंज हो गया, कौन सा राजधानी, पहले जाकार्ता हुआ करता था लेकिन वर्तमान स्वरूप में चेंज हुआ है, क्या नाम है इसका, नुसंतारा, बहुत सुंदर क्या है, नुसंतारा, ठीक है, करेंसी का रुपया, ठीक है। ब्राजील की राजधानी बताइए, ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्रासिलिया, ठीक है, ब्रासिलिया, ठीक है। रियल जो है, रियाल आपने सऊदी अरब का पढ़ा था, इसका करेंसी का नाम क्या है, रियल है, क्या है इसका करेंसी का नाम, रियल है, ठीक रियल है। यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, अगर पूछेंगे कभी भाषा कौन सी बोली जाती है, डच, क्या बोली जाती डच है, डच भाषा बोली डच जाती है, क्योंकि डच का बहुत दिन तक ये उपनिवेश रहा था, ठीक है। कनाडा की राजधानी आप लोग जानते हैं, ओटावा, ठीक है, कैनेडियन डॉलर है, पता ही ओटावा है। नीदरलैंड का राजधानी बताए, एमस्टर्डम, क्या है नीदरलैंड की राजधानी, एम्स्टर्डम एमस्टर्डम, ठीक है, ध्यान में एम्स्टर्डम रखिएगा। और यहाँ का मुद्रा का नाम गिल्डर या फिर यूरो, मॉरिशस चर्चा में रहता है, भारत का पड़ोसी नहीं कह सकते, लेकिन ये मॉरिशस किस महाद्वीप में है, ठीक है, एशिया में, अफ्रीका में या फिर यूरोप में है, मॉरिशस एशिया एशिया में महाद्वीप, है, इंडियन ओशियन एशिया में, महाद्वीप है ना, सही आंसर नहीं है, और कोई आदमी, अफ्रीका अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है, कहाँ में पड़ता, पड़ता अफ्रीका में पड़ता, ठीक है, ये प्रश्न पूछा, लोग अफ्रीका एशिया मार के गलती करके आए हुए, ठीक है। यहाँ का एक व्यक्ति था जिनके रामबरन यादव, ठीक है, कभी राष्ट्रपति हुआ करते थे, बिहार से आते थे रामबरन यादव, ठीक है। मॉरिशस रुपया की बात करेंगे, यहाँ के करेंसी है। क्यूबा की बात करें, क्यूबा, क्यूबा की बात करें, क्यूबा हवाना, ठीक है, क्यूबन पेसो। क्यूबा जो है क्या चीज के लिए जाना जाता है, क्यूबा चीनी के लिए क्यूबा सर, सुगर बाउल बोलते हैं चीनी पहले हमने शुगर बाउल बोलते हैं, और यहाँ पे मतलब गन्ने की खेती बहुत ही बड़े पैमाने पे होती है, ठीक है। इटली को बोलेंगे रोम, यूरो, ठीक है, रूम पार्लियामेंट वहां का संसद, ठीक है। रूम डेनमार्क का कोपेनहेगन, डेनमार्क चर्चा में रहता, कोपेनहेगन, ड्रेनिश कॉर्नर, ठीक है, यहाँ का करेंसी है। मिस्र की राजधानी जानते, काहिरा है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा इजिप्शियन पाउंड चलता है, इजिप्शियन पाउंड चलता है, कौन सा पाउंड चलता है, पाउंड, इजिप्शियन इजिप्शियन पाउंड चलता पाउंड है, ठीक है। स्वीडन, स्वीडन की राजधानी क्या है, स्वीडन की राजधानी क्या बताएंगे, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम स्कॉटहोम, ठीक स्टॉकहोम है, यहाँ पे क्या है, स्वीडिश क्रोना चलता है, ठीक है। यहाँ का संसद कई बार पूछा है, ठीक है, संसद का रिक्सडॉग रिक्सडॉग, क्या नाम है इसका, रिक्सडॉग। फ्रांस का तो आप लोग जानते हैं, रिक्सडॉग पेरिस है, यहाँ पे चलता है, यूरो चलता है, नेशनल असेंबली यहाँ पे ये है। जर्मनी का राजधानी जानते हैं, बर्लिन है, यूरो चलता है जर्मनी में, ठीक है। और देखिए अभी हाल फिलहाल में ये पूछ लिया था, सबसे महंगा मतलब क्या है, सबसे महंगा करेंसी कौन है, बीपीएससी तक पूछा है, ठीक है। तो इसलिए सभी देश का करेंसी, सभी देश का कैपिटल, इतना तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है, ये आपके लिए मस्ट है, ठीक है, इसको आप लोग क्या कीजिए, रट जाइए, ठीक है, किसी भी एग्जाम में कहीं भी आपसे पूछ लेगा, ठीक है, आप रट लीजिए, काम ही आएगा, ज्यादा बार नहीं रटना, दो चार बार रटेंगे तो आपको याद हो जाएगा, हमेशा काम आएगा, ठीक है। तो बुंडेस्टैग की बात करेंगे, जर्मनी का क्या पार्लियामेंट है, क्या,
सबसे महंगा यूरो है। पाउंड स्टर्लिंग सबसे महंगा है, ठीक है। पाउंड स्टर्लिंग जो है बीपीएससी इस बार पूछा था सबसे महंगा, उसके बाद यूरो होगा, नहीं तो मतलब ये हो सकता है दिनार, दिनार भी बहुत महंगा है, देखना पड़ेगा। उसके बाद यूरो है, फिर दिनार है, कि या दिनार या तो यूरो होगा। सबसे महंगा ईरान की दिनार ही राजधानी, तो है। बिल्कुल ईरान की राजधानी की बात करेंगे, ठीक है। तेहरान है, यहाँ का भी मुद्रा जो है सऊदी अरब के यहाँ बाद रियाल ही है, ठीक है। मजलिस जो है यहाँ का क्या बोलते ना हैं, नेशनल, यहाँ के संसद को मजलिस बोलते हैं। इराक में यहाँ बगदाद, इराकी दीनार चलती है, नेशनल असेंबली है यहाँ पे। इजराइल बहुत चर्चा में रहता है, यरूशलम की बात करेंगे, यहाँ का मतलब यहाँ राजधानी है, ठीक है। न्यू सेकेल यहाँ की बात करें, करेंसी है द नेसेट, यहाँ के संसद को बोला जाता है। यहाँ की जासूसी एजेंसी का नाम क्या है, जासूसी एजेंसी का नाम क्या है बताइए, क्या मोसाद नाम है? मोसाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मोसाद मोसाद बोलते मोसाद हैं, ठीक है। बड़ा चर्चा में मोसाद मोसाद हमेशा बना हुआ रहता है, पता ही आप लोगों को। हाँ आगे की बात की जापान, जापान चलेंगे, टोक्यो चलेंगे, करेंसी का नाम येन है, वहां का नेशनल, सॉरी संसद का नाम क्या है, डायट है, ठीक डाइट है। लेबनान का बेरूत डाइट चर्चा में रहा है, ठीक है। लेबनीज पाउंड चलता है यहाँ पे, नेशनल असेंबली। दक्षिण है कोरिया सियाल, दक्षिन कोरिया का सियोल है, तो पेंगोंग उत्तर कोरिया का पेंगोंग है, क्या है उत्तर कोरिया का, क्या है पेंगोंग है, जहां से कौन आते हैं, कौन आता जोंग है किम उत्तर जोंग कोरिया आते हैं से, किम जोंग आते हैं, ठीक ठीक है। है। वन की बात करेंगे, यहाँ के करेंसी है। वियतनाम का हानोई, ठीक है। वियतनाम का कैपिटल जो है हानोई है, वहां पे डांग चलता है, ठीक है। अमेरिका का वाशिंगटन डीसी, अमेरिकन डॉलर चलता है, जो कि विश्व की अर्थव्यवस्था की जड़ मानी जाती है। ब्रिटेन का लंदन है, वहां पे पाउंड स्टर्लिंग चलता है, जो कि सबसे महंगा करेंसी था, लेकिन अब फॉल हो रहा है। पार्लियामेंट वहां का संसद है, ठीक है। नॉर्वे की बात करें, ओस्लो है, पीसी ऑफ सी पीसी सॉरी डॉलर सिटी ऑफ पीस के नाम से जानते हैं, ठीक है। नॉर्वियन डॉलर यहाँ पे चलता है। स्टार्डिक की बात करेंगे, वहां का संसद है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे ये सब बेसिक प्रश्न था, जो कि आई थिंक सभी लोगों को आता था, लेकिन मेरा जो मेन करेंट अफेयर जो शुरू होता है, ठीक है, यहाँ से होगा, भारत में विश्व में प्रथम, ठीक है। तो इसको मैं करवा रहा हूँ अभी, आप लोग कीजिए इसको, भूख तो नहीं लगी है? नहीं सर नहीं सर जी अगर लगा भी होगा तो हमें मत बताइएगा, कि कोई व्यवस्था नहीं है। सर खा भी चले लिया गुड, 1 घंटा करंट अफेयर्स करते हैं। बोलिए ना सर। अरे आपके हिसाब से थोड़ी नहीं चलेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे ना। चलिए नहीं, हमको लगा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया क्या। चलिए आगे चलेंगे। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बन गए, कुछ दिन पहले का ही न्यूज था। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला राज्य कौन बना है, क्या बताएंगे? पंजाब पंजाब विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर संयंत्र कहाँ पे स्थापित अबू किया गया है? धाबी विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर संयंत्र यूएई अबू धाबी, ठीक है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पे हुआ है? थ्री तेलंगाना बैंगलोर डी प्रिंटेड डाकघर कहाँ पे होगा? बैंगलोर बैंगलोर में होगा, ठीक है। समान नागरिक संहिता यूसीसी अपनाने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? उत्तराखंड उत्तराखंड। सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश कौन हो जाएगा? भूटान मतलब भूटान सारे आवारा कुत्तों को नसबंदी करा देंगे, तो इनके अंदर क्या होगा ना, ये मतलब वो नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं उसको, आवारा कुत्तों न्यू की न्यू संख्या बेबी स्वतः ही बॉर्न मतलब क्या नहीं हो हो जाएगी, पाएगा सर, न्यू बेबी बॉर्न नहीं होगा, आवारा कुत्तों की संख्या जो स्वतः ही मतलब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लिमिटेड हो ठीक है। जाएगा। भोपाल आयुष से प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला पुलिस स्टेशन के बताइए कौन हो जाएंगे? भोपाल देश का पहला पशु शवदाह गृह कौन सा है, क्या बताएंगे? लखनऊ लखनऊ उत्तर ये क्या प्रदेश हो जाएगा, ध्यान में रखिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा? लखनऊ उत्तर प्रदेश हो जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कौन हो जाएगा? लखनऊ उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे चलेंगे, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा है, क्या बताएंगे? छठ मंदिर राजस्थान मंदिर तमिलनाडु काठ मंदिर तमिलनाडु, ठीक है, बहुत सुंदर, राजस्थान तमिलनाडु, ठीक है। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन उदयपुर सा हो जाएगा, भारत का पहला वेटलैंड शहर? उदयपुर, उदयपुर राजस्थान, ठीक है। राजस्थान भारत का सबसे पर्यटन गांव कौन सा है, क्या बताएंगे? भारत का पहला पर्यटन गांव नवापेड पंजाब का पंजाब नवापिंड, पंजाब का नवापिंड सरदारा सुंदरगांव गांव की बात करें, भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का अवार्ड इसको दिया गया। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ पे हुई है, क्या बताएंगे? दिल्ली दिल्ली में में हुए, ठीक है। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहला ओपीडी कहाँ पे शुरुआत की, ओपीडी की शुरुआत कहाँ दिल्ली पे की गई, क्या दिल्ली बताएंगे? दिल्ली दिल्ली में। दिल्ली भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पर स्थापित किया गया, क्या बताएंगे? बैंगलोर बैंगलोर भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज की बात करेंगे तो कहाँ पर स्थापित किया, कृषि डेटा हैदराबाद एक्सचेंज, तेलंगाना बिल्कुल, ठीक है। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे हो जाएगा, ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र? तमिलनाडु भारत तमिलनाडु का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पर स्थापित किया है, क्या बताएंगे? केरल केरल डीजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है, क्या बताएंगे? गुवाहाटी
गुवाहाटी का लोक, हाँ, गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी बना है, ठीक है। पहली हाइड्रोजन इंधन सेल बस सेवा की शुरुआत कहाँ पे हुई क्या बताएंगे? लेह लद्दाख लेह लद्दाख में, ठीक है। भारत का पहला निर्वाण नवाचार केंद्र कहाँ पे बना है क्या बताएंगे? केरल। भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरीसन, ठीक है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे, ठीक है। भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज़ एंकर लिसा का अनावरण कहाँ पे हुआ है क्या बताएंगे? ओडिशा टीवी। प्लास्टिक बैग उत्पाद में प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला कौन बन गया है क्या बताएंगे? न्यूजीलैंड, ठीक है। भारत की पहली हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है क्या बताएंगे? हरियाणा। दुनिया का पहला मिथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया किसने किया है? चीन ने। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है क्या बताएंगे? महाराष्ट्र। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है क्या बताएंगे? केरल, ठीक है। भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य कौन सा है तो क्या बताएंगे? केरल है, ठीक। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है क्या बताएंगे? पंजाब। भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला कौन बना है क्या बताएंगे? वायनाड। वायनाड से ही राहुल गांधी सांसद है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगर भारत का पहला सौर शहर कौन सा है तो क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज क्या नाम है उसका? जम्मू कश्मीर। डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा क्या बताएंगे? केरल। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला राज्य की नाम बताइए क्या नाम है? पहला देश का नाम बताइए क्या है? विश्व का पहला जटायु संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? यूपी, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? असम। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला का नाम बताइए क्या नाम है? कार्बन न्यूट्रल गाँव का नाम? भिवंडी। थाने जिला महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। आगे की बात करेंगे, पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ पे है? कोलकाता मेट्रो ट्रेन। अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? बिल्कुल हिमाचल। दुनिया का पहला एशियाई किंग, ठीक है, एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण प्रजनन के कहा उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? कानपुर। नहीं, महाराजगंज। अभी जटायु वाला वही है, सेम। हाँ सेम तो है कि अलग थोड़ी ना, महाराजगंज पर था, गोरखपुर जिला में है ये। हत्या का केस में एआई आधारित चैट जीपीटी की मदद जमानत पर फैसला सुनाने वाला पहला हाईकोर्ट कौन बन गया? पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट। बिल्कुल 100% विद्युत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? हरियाणा, ठीक है। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाले एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है? भारत की पहली महिला लोको पायलट भी है, ठीक है। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान की कमान संभालने वाले पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए? सलीजा धामी, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम बताइए क्या नाम है? रूबी रेलवे स्टेशन कर्नाटक में बनता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले सिद्धा क्या नाम उनका? सिद्धा स्वामी क्या नाम है इसका? सिद्धा रमैया है कोई, ठीक है। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला राइट टू हेल्थ राजस्थान करने वाला पहला हाईकोर्ट केरल। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम इंदौर। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित पैनल उत्तराखंड। सोलर प्लांट चंडीगढ़। नोरो वायरस का संक्रमण का पहला मामला केरल। कोरोना वायरस का भी पहला मामला यहीं से आया था ना, इस सारा वायरस को ये केरल से सप्लाई होता है इंडिया में, ठीक है, और उधर से चीन से। देश का नंबर वन थाना अस्का थाना किस राज्य में पड़ता है? अस्का थाना उड़ीसा में। ओडिशा के गंजाम जिला, ठीक है, ध्यान रखें। धूम्रपान पर प्रतिबंध करने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड। फैसला अपना वापस ले लिया है, ठीक है, क्योंकि टैक्स में बहुत अधिक आ गई थी, कमी आ गई थी, इसलिए अपने फैसला को वापस ले लिया है, ठीक है। नए प्रेसिडेंट कौन बने यहाँ पे? नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने? सॉरी, क्रिस्टोफर लक्सन। कौन बने? क्रिस्टोफर लक्सन बने, ठीक है। भारत का पहला एटीएम गोल्ड एटीएम कहाँ पर स्थापित किया गया? हैदराबाद में। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म
केरल के अलवा बहुत सुंदर। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन लॉन्च करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु, करने वाला पहला राज्य इम्पोर्टेंट है गुजरात, गुजरात। दक्षिण भारत की पहली वंदे मातरम कहाँ से कहाँ तक? चेन्नई से बेंगलुरु। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन है? हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल। नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहर? वडोदरा। वडोदरा। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम? इंदौर। चलिए इंदौर हो जाएगा। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत, सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला? केरल। 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 100% हर घर जल घोषित राज, हर घर जल घोषित राज? गुजरात। गुजरात। ठीक है। और एक गोवा से भी कुछ प्रश्न था ना, 100% नल की सुविधा की? हर घर नल का जल गोवा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव? मोडेरा, गुजरात। 24/7 ठीक है, ध्यान में रखेंगे, आगे चलेंगे। ठीक है, गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च करने वाला राज्य? गुजरात। गुजरात। देश का पूर्ण डिस्ट्रिक्ट कलन 77 वाला पंचायत? कुल्लम पारा, केरल। ठीक, जनजातियों का विश्व का जारी करने वाला पहला राज्य? उड़ीसा। हर घर आरो जल वाला पहला राज्य? भारतोलगांव, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल। केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेज? गोपिका गोविंद। गोपिका गोविंद। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा भारतीय राज्य? झारखंड। झारखंड। पहला कौन था? पहला कौन था? केरल था। केरल था। केरल ही था सर। केरल ही था। केरल ही था। अब बर्ड एटलस जारी करना भी केरल ही था। देश का सबसे बड़ा रबर डैम? गया बिहार में। हम गए थे, रबर ढूंढते ढूंढते रह गए, रबर हमको नहीं मिला, लेकिन इस बांध में कहीं भी रबर नहीं है सर। रबर बनाने वाले मिलते हम देख रहे थे, कहीं रबर मिल जाए, थोड़ा सा रबर मिल जाए, थोड़ा भी नहीं मिला हमें। ठीक है, पूरा बांध घूम गया, ज्यादा देर रुकने नहीं देता इस पे, तुरंत जाके तुरंत भगा देता, लेकिन देख रहे कहीं मिल जाए थोड़ा सा रबर, कहीं पर भी रबर हमें नहीं मिला। फिर रबर डैम नाम बड़ा जो रबर है। आप क्या है, क्या है आप, ये आता है क्या एग्जाम में देवी और सजनों? नहीं सर, ये नहीं आता। नहीं आएगा सर, ये नहीं आएगा ना। मोबाइल ऐप वाला, मोबाइल ऐप करवा दीजिए। सारा तो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन कुछ करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए। इतना नहीं आता, कुछ कुछ आता, मैं बताता हूँ। इतना नहीं आता है, दो चार को आता है। आई स्टार टैलेंट को, आई स्टार टैलेंट को राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। मेरा युवा भारत को मोदी जी ने लॉन्च किया है। हाँ, फ्लड वॉच ऐप को किसने लॉन्च किया है? इम्पोर्टेंट है, फ्लड वॉच ऐप को किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय जल आयोग। बहुत सुंदर। ठीक है, उद्गम पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? भारतीय रिजर्व बैंक। क्यों लॉन्च किया है उद्गम पोर्टल को? जो लोगों का लवारिस धन है, लोगों का लवारिस धन है, मतलब आदमी का पैसा है ना सर, उसका पता लगाने के लिए। जैसे मान लिया आपके दादाजी चाहे मतलब कोई भी पैसा जमा बैंक में किए, अब वो बताया नहीं, वो निकल लिए, जब उनका पैसा तो बैंक में रह गया, तो आप चेक कर सकते हैं मेरे किसी व्यक्ति का पैसा है तो नहीं, अगर है तो आपको मिल जाएगा। सुस्वागतम पोर्टल की बात करेंगे, किसने लॉन्च किया? सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों किया है? अदालत की कार्यवाही में जो गेस्ट लोग जो जाते हैं उनके लिए ई पास जारी करेगा। उल्लास ऐप इम्पोर्टेंट है, किसने जारी किया? उल्लास ऐप शिक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, विरासत पोर्टल को किसने लॉन्च किया? विरासत पोर्टल को मंत्रालय। पीएम किसान ऐप को किसने लॉन्च किया? पीएम किसान ऐप को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। ठीक है, बिल्कुल। झरनीवा पोर्टल को किसने लॉन्च किया? झरनीवा पोर्टल को झारखंड सरकार। झारखंड सरकार। ठीक है, साथी संचार साथी को किसने लॉन्च किया है? दूरसंचार विभाग। बहुत। हिम डाटा पोर्टल को किसने लॉन्च किया? हिम डाटा पोर्टल को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। बिल्कुल। साथी पोर्टल को किसने लॉन्च किया? साथी पोर्टल को कृषि मंत्रालय। कृषि मंत्रालय। कॉल बिफोर यू डिग को किसने लॉन्च किया? कॉल बिफोर यू डिग प्रधानमंत्री मोदी जी। क्यों लॉन्च किया गया कॉल बिफोर यू डिग को? क्यों लॉन्च किया गया है? ऑप्टिकल लाइंस केबल का जो हो रहा है ना उसमें। बिल्कुल नहीं, क्या होता था ना, कुछ लोग ने नाली के लिए सड़क निर्माण के गड्ढा खोदना शुरू कर देते थे, उसके चक्कर में उसके नीचे जो तार वगैरह, जो ऑप्टिकल इंटरनेट वगैरह के तार वगैरह जो था उसको भी नुकसान पहुंचा देते थे। इसीलिए खोदने से पहले, गड्ढा खोदने से पहले सबसे पहले कॉल कीजिए, हम जा रहे हैं खोदने, तो वहां का अधिकारी वगैरह आएंगे अपना देख लेंगे, कुछ नुकसान तो नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए। संगम युवा पटल को किसने लॉन्च किया? संगम युवा पटल को शिक्षा विकास मंत्रालय। लॉन्च किया है। ठीक है, अमर सरकार पोर्टल को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया? अमर सरकार पोर्टल
बिल्कुल, त्रिपुरा सरकार ने लॉन्च किया अमर सरकार पोर्टल को। जलदूत ऐप को किसने लॉन्च किया? जलदूत ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय, ई किम पोर्टल को किसने? ई कुंभ पोर्टल को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ई समाधान पोर्टल इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। किसने लॉन्च किया है? विश्वविद्यालय यूजीसी ने, ठीक है, इसी को यूजीसी बोलते हैं, ठीक है। ई अमृत ऐप को किसने लॉन्च किया? ई अमृत ऐप को नीति आयोग, नीति आयोग, ये नीति आयोग, बिल्कुल ठीक है। निदान पोर्टल को किसने लॉन्च किया? निदान पोर्टल को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबीसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एनसीबी, एनसीबीसी, ठीक है। आप चलेंगे, ब्रांड एम्बेसडर आएगा क्या एग्जाम में? नहीं सर, आता है सर, आता है, कुछ करवा देता हूँ, ठीक है। कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हाल फिलहाल में कौन बन गए हैं? महेंद्र सिंह धोनी। बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली। राडो, राडो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कैटरीना कैफ। राडो क्या बनाती है? राडो, राडो क्या बनाती है? ठीक है, कहाँ की कंपनी है? स्विट्जरलैंड की कंपनी है, ठीक है। रोलेक्स और राडो दोनों घड़ी बनाती है, ब्रांड की घड़ी बनाती है, ठीक है। पुमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मोहम्मद शमी। इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय राजकुमार राव। भारत पेट्रोलियम की हाल फिलहाल में कौन बनाएगा? भारत पेट्रोलियम का राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़। रैंगलर, रैंगलर जींस वगैरह बनाती है, स्मृति मंदाना, ठीक है। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर, त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। गुची की पहले इंडिया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? गुची की आलिया भट्ट। आलिया भट्ट। एचबीएससी के इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? एचबीएससी के विराट कोहली। विराट कोहली। वायकॉम 18 के कौन बने? वायकॉम 18 के एमएस धोनी। एमएस धोनी। भारत में अमेरिका का राजदूत कौन है? भारत में अमेरिका का राजदूत एरिक गोल्डस्मिथ। ठीक है, सेवलॉन इंडिया के दुनिया का पहले ब्रांड एम्बेसडर बताइए कौन है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। एम्बेसडर का नाम बताइए यूनिसेफ इंडिया के? आयुष्मान खाना। आयुष्मान खाना। आयुष्मान खाना। उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बताइए क्या है? उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर टीवी उन्मेलन कार्यक्रम के निक्षत्र निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपा मलिक। वर्ल्ड कप के कप्तान कौन है? कप्तान युवराज सिंह। वाह क्या बात है, देख देख के बोलना। सुषमा पटेल कैप्टन है, ठीक है। ये क्या ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। लीड का मतलब चेयरमैन है उसकी, T20 टीम की पहला बार तो जा रही विश्व कप में, साथ कैप्टन बने, चेक कर लीजिए। बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ अभियान कौन है इसका? रिद्धिका कुटिया, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चल। देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर सुनो सुनो रखेंगे केरल एडवेंचर टूरिज्म के कौन बने ब्रांड एम्बेसडर? पीआर श्रीजेश। गोलकीपर सॉरी सॉरी फुटबॉल 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 के नहीं है, हॉकी के है। कोरोना वायरस में आते हैं क्या? गोलकीपर दोनों में होता है लेकिन ये हॉकी के हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, क्या खुल गया यार मैच का, मैच फ्री खुल गया सर। कोविड-19 की बात करेंगे, नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी कुछ बातें पूछ रहे। तो पीएम ने जनता कर्फ्यू की घोषणा कब की थी ये बता दीजिए? 5 मार्च 2020। इनके अंदर में सब कुछ चीजें ठीक हो जाएगी, उसके बाद शॉक दे दिया सर। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले चीन के वुहान शहर में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वुहान शहर है चीन के किस नदी के किनारे, ये बता सकते हैं क्या? नहीं सर। एक चीन की एक नदी है, ठीक है, उसको बोलते हैं हांगजो नदी। क्या बोलते हैं उसको? हांगजो नदी, जिसको पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। उसी के किनारे आपको शहर दिखेगा वुहान, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे कोरोना वायरस के कारण यांगसी दूसरा नदी है, ठीक है। यांगसी नदी के किनारे चीन का शहर दिखेगा शहंगाई, ठीक है। कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन बना था? पंजाब। पंजाब बना था, ठीक है। भारत में जब पहली बार जो कर्फ्यू जब लगाया गया ना, लॉकडाउन पहला बार लगा था, 21 दिन का लगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय की बात करें कौन था? मनीष कुमार।
मनीष कुमार, ठीक है ध्यान रखे, मनीष कुमार ठीक है, एम्स का सर कोई कर्मचारी वगैरह था ठीक है। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त है यूटी की बात है अंडमान निकोबार, और 100% टीकाकरण निकोबार प्राप्त है राज्य की बात है हिमाचल प्रदेश ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली थी विशाखापट्टनम से नागपुर तक, पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली थी, और दूसरा ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला था बोकारो से लखनऊ तक ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। टीका उत्सव कब मनाया गया, तो 11 से लेकर 14 अप्रैल 2021 तक टीका चौदह उत्सव मनाया गया ठीक है। 100% टीकाकरण प्राप्त करने वाला शहर जो था भुवनेश्वर था, और कोविड 19 से अप्रैल मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश की बात करें स्लोवेनिया था, कौन था स्लोवेनिया था ठीक है। भारत में टीकाकरण हटाइए से फालतू है, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वो का सैन्य अभ्यास तो इम्पोर्टेंट आएगा ही आएगा, यस सर आएगा ना सर सर सामा नंबर का ठीक है, आठ भारत नेपाल नेपाल के बीच में। दूसरा ऑस्ट्रा हिंड हुआ है किसके किसके बीच में, ऑस्ट्रा हिंड। बजर भारत प्रहार किसके साथ होता है, बजर प्रहार। अमेरिका मित्र शक्ति किसके साथ होता है, नौवां नंबर का मित्र शक्ति, ये आएगा एग्जाम में ठीक है, सही में ये आ सकता है मित्र शक्ति। श्रीलंका श्रीलंका श्रीलंका। सी गार्जियन किसके किसके बीच में होता है, सी गार्जियन बंगो चीन पाकिस्तान भारत सागर। बांग्लादेश भारत बांग्लादेश सभी लोग ने बांग्लादेश चैनल को ज्वाइन कर लिया है, डिलीट कर दो ग्रुप से, वहीं पे पीडीएफ डाला हुआ है, नहीं ज्वाइन करे जल्दी डिलीट कर, डिलीट कर रहा हूँ ठीक है। हो सकता है सर। डिलीट कर रहा हूँ ठीक है, चलिए अगर करना होगा तो ऊपर में पिन किया हुआ है तो वहां से भी आप कर सकते हैं ठीक है। पूछने तो दीजिए पहले। पिन किया हुआ पिन करके ज्वाइन कर लीजिए, ऊपर में पिन किया हुआ पिन अप पे जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा ठीक है। पहले काजिन की बात के सी गार्जियन बता दिया, काजिन किसके साथ होता है, कजाकिस्तान और कजाकिस्तान ठीक है। मॉरिस की बात के एम से म्यांमार, आर से रसिया, ई से म्यांमार एक्सरसाइज, किसके किसके बीच में होता है। रूस कभी कभी एग्जाम में ना समझ में आना तो इसका ना उसको ना अलग अलग करके देखिएगा कि क्या हो सकता है ठीक है। हरिमऊ शक्ति किसके साथ होता है, हरिमऊ शक्ति। मलेशिया मलेशिया संप्रति किसके साथ होता है, संप्रति। बांग्लादेश अब यहाँ पे भारत देखें ठीक है, बांग्लादेश एयू से मतलब क्या ऑस्ट्रेलिया होगा, ऑस्ट्रेलिया। आईएन से इंडिया मतलब आईआईएनडी से क्या होगा, इंडिया। इंडिया एक्सरसाइज ठीक है, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में। सिम्बेक्स से देखिए ठीक है, सिम्बेक्स होता है किसके श्रीलंका किसके में ठीक है, भारत और सिंगापुर सिंगापुर के साथ ठीक है। वरुण किसके साथ होता है, अरुण, अरुण वरुण है सर वरुण के बात साथ होता है, वरुण किसके साथ, पाखरौस फ्रांस के साथ। मालाबार युद्धाभ्यास किसका होता है, क्वाड नेशन होता है, बहुपक्षीय है ठीक है, चार देश इसमें शामिल होते हैं। नो मेडिक एलिफेंट किसके साथ होता है, नो मेडिक एलिफेंट मंगोलिया भारत मंगोलिया साथ होता है, जीमेक्स बताइए। भारत जापान भारत भारत जापान सुरक्षा बांध ठीक है, चीन रूस ईरान तीनों के तीनों, चोर चोर मौसेरे भाई वाला कहानी है ठीक है, कम्युनिस्ट नेशन ठीक है। खान क्वेस्ट किसके साथ, बहुराष्ट्रीय होता है खान क्वेस्ट। इक्वेरियन किसके साथ होता है, इक्वेरियन इंपोर्टेंट है, इक्वेरियन। भारत मालदीव एकथा किसके साथ होता है, एकथा, एकथा बंदरगाह को भी भारत सरकार विकसित कर रही थी मालदीव के साथ। सुदर्शन शक्ति भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमान के साथ होता है ठीक है, ध्यान में रखेंगे। टाइगर शार्क की बात करें, किसके किसके साथ होता है, टाइगर शार्क। बांग्लादेश अमेरिका बिल्कुल, भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है, सॉरी टाइगर शार्क का बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में अमेरिका होता है। अल मुहैद अल हिंदी किसके साथ होता है, सऊदी भारतीय अरब। अरब। समुद्री शक्ति किसके किसके बीच होता है, चौथा समुद्री शक्ति। भारत बिल्कुल, इंडोनेशिया कॉर्पोरेट किसके साथ होता है, कॉर्पोरेट क्या बताएंगे, साथ भारत थाईलैंड होता है क्या बताएंगे, अजय बॉरियर भारत किसके साथ होता है, यूनाइटेड बिल्कुल ठीक है। अजय बॉरियर की बात करेंगे तो किसके साथ होगा, तो ध्यान में रखेंगे भारत और यूके के बीच में ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको, इनी ओशकोश जो भी हो, बहुराष्ट्रीय है ध्यान में रखिए। कोप इंडिया किसके साथ, और कोप इंडिया इंपोर्टेंट है, कोप भारत इंडिया। अमेरिका भारत यूएस बहुत सुना, अमेरिका सिलिनेक्स किसके साथ होता है, सिलिनेक्स बताइए, सिलिनेक्स। भारत श्रीलंका भारत एफिडिनेक्स श्रीलंका किसके होता है, एफिडिनेक्स। अफ्रीका और भारत इंडिया का अफ्रीका एक्सरसाइज होता है ठीक है, 23 ये पूछेगा ठीक है। भारत और अफ्रीका का एफिडिनेक्स जो होता है, कितने अफ्रीकन देशों में पार्टिसिपेट करते हैं, 23 देश को इसमें पार्टिसिपेट होता है ठीक है। तीस फ्रिंजेक्स, एफ आर से फ्रांस, आई एन से इंडिया ठीक है, भारत एक्सरसाइज ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच। कोंकण एक्सरसाइज किसके साथ होता है, कोंकण। और भारत यूके यूके किंगडम बहुराष्ट्रीय है ठीक है। बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके साथ होता है, बोल्ड कुरुक्षेत्र। भारत सिंगापुर
ला पड़ोस की बात करेंगे तो ये भी बहुराष्ट्रीय है। सन्नी मैत्री किसके साथ होता? सन्नी मैत्री भारत जापान की बात करेंगे, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है डस्ट लीग, ठीक है। अगर ये भी प्रश्न पूछता कहाँ पे हुआ है और कौन किसका एक्सरसाइज है तो कुछ इंपोर्टेंट बात। सूर्यकरण की बात करेंगे, न तो नेपाल में समुद्र है ही नहीं, ठीक है, स्थल सेना का होता है, ठीक है। और तो कुछ कुछ इंपोर्टेंट ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कुछ कुछ इंपोर्टेंट जो है सबको ध्यान में रखना होगा, कौन किसका एक्सरसाइज होता है, ठीक है। ये संप्रति जो हुआ ना तो उमरोई में मेघालय में हुआ, चर्चा में था, ठीक है। इस सूर्यकरण जो हुआ है उत्तराखंड में हुआ, ये भी चर्चा में था, कुछ कुछ बता देता हूँ, ठीक है। बज प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में उमरोई मेघालय में हुआ है, ठीक है, जो जो चर्चा में था बता दे रहा हूँ, ठीक है। ऑसीडिनेक्स हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, सिडनी में हुआ है, भारत से बाहर हुआ है, ठीक है, ध्यान में। सिंडेक्स की बात करेंगे, ये भी सिंगापुर में हुआ है, ठीक है। वरुण की बात करेंगे ना तो नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। वरुण क्या है? वरुण की बात करेंगे नेवल एक्सरसाइज अरब सागर में हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वरुण देवता पानी को बोलते थे, समुद्र देवता को बोलते थे, ध्यान में रखेंगे। चौबटिया उत्तराखंड में एक्वेरियन हुआ, यह भी चर्चा में था, ठीक है। एक्वेरियन थल सेना के चौबटिया उत्तराखंड में हुआ है। चट्टोग्राम बांग्लादेश में हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या टाइगर शार्क हुआ है, ठीक है, अमरीका और बांग्लादेश के बीच में। ये सब जरा देख लेंगे आप लोग पढ़ने से पहले, इससे प्रश्न आ सकता है, ठीक है। कौन किस पिथौरागढ़ डस्ट लीग जो हुआ है भारत उज्बेकिस्तान के बाद, पिथौरागढ़ में हुआ उत्तराखंड में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वो थल सेना का है, इसमें सब कुछ कुछ प्रश्न बता दे रहे हैं जो कि प्रश्न आने की संभावना है जो पूछेगा, ठीक है। मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी है, तो यहाँ पे न्यायमूर्ति गीता मिट्टल के अध्यक्षता में एक मतलब समिति बनाई गई, ठीक है। अब मणिपुर में हिंसा की जांच करने के गठित आयोग किसके आदेश के बनाया गया है? अजय लंबा के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया, ये VVI है, पूछ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है, अजय लंबा। चीता परियोजना की देखरेख करने के लिए एक समिति बनाई गई, इसका राजेश गोपाल के नेतृत्व में, ये भी VVI है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चीता समिति बनाई गई है देखरेख के, क्योंकि चीता का मृत्यु बहुत ज्यादा हो रही थी। किस नेशनल पार्क में भारत में चीता के रखा गया, तो क्या बताएंगे? नेशनल पार्क में रखा गया था, लेकिन बहुत अधिक चीता की मृत्यु हो रही थी, इसलिए एक समिति बनाई, किसके अध्यक्षता में? राजेश गोपाल, ठीक है। इम्पोर्टेंट नहीं, जो इम्पोर्टेंट है हम खुद कर देंगे, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल की गई है, उसके लिए जी किशन रेड्डी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पराली जलाने से रोक लगा दी गई है, ठीक है, प्रदूषण के कारण बनता है, ठीक है, एक अध्यक्ष बना है, ठीक है, मदन बी लोकुर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, ठीक है, हमारे यहाँ जो शिक्षा नीति जो चल रही थी 1986 की शिक्षा नीति थी, ठीक है, एक शिक्षा नीति आई थी 1948 में आती, गलत होगा तो बताइएगा, ठीक है। उसके बाद एक शिक्षा नीति जो आती 1948 के बाद, भूल गया, एक 1986 है, एक 1968 में है क्या, 66 या 68 कुछ ऐसी है, एक जो अभी आया थी चौथा नंबर का शिक्षा नीति आया, ठीक है। कस्तूरी रंगन साहब कौन थे? आरबीआई इसरो में काम कर, इसरो के हेड रह चुके थे कस्तूरी रंगन, नहीं, इसरो के हेड रह चुके थे डॉक्टर कस्तूरी रंगन, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हेड की बात करें कस्तूरी रंगन, ठीक है। अब आते हैं नारी शक्ति बंधन योजना, ठीक है, इंपोर्टेंट है, 128वां संशोधन विधायक था। बिल की बात करेंगे तो 106 नंबर का बिल जो है पास हुआ है, ठीक है। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा महिलाओं के 33% आरक्षण की बात करेगी, आरक्षित का प्रावधान कितने साल के लिए होगा, ध्यान रखें 15 साल के लिए होगा, ठीक है। इस विधेयक को किसने प्रस्तुत किया, तो इस विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया, जिसे 20 सितंबर को लोकसभा से या 21 सितंबर को राज्यसभा से सर्वसहमति से मतलब पास कर दी गई, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कितने नंबर का संवैधानिक संशोधन हुआ, तो 106 नंबर का संवैधानिक संशोधन हुआ। अब बिल की बात करेंगे तो 128 नंबर का बिल था। नागरिकता अधिनियम जो था 1955 को संशोधन किया गया था, ठीक है, नागरिकता संशोधन बिल CAB लाया गया 2019 में लोकसभा में, 9 दिसंबर को 2019 को राज्यसभा से, 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। जब भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया, 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति से हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य अल्जीरिया है, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवानिया है, इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। नई शिक्षा नीति के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष के बाद, ठीक है,
34 वर्ष के बाद की बात करेंगे तो कब था, 1986 के बाद राजीव गांधी की सरकार के बाद 29 जुलाई 2020 को दी गई। इसकी अध्यक्षता किसने की थी तो क्या बताएंगे, के कस्तूरी रंगन ने, ठीक है। नई शिक्षा नीति वर्तमान में 10+2 था, आप लोग मैट्रिक करते थे उसके बाद 2 साल का पढ़ाई करके फिर मतलब ग्रेजुएशन वगैरह करते थे, मॉडल के स्थान पर कौन कौन सा मॉडल आ गया, 5+3+3+4, ठीक है ध्यान में रखेंगे, 5+3+3+4 मॉडल की बात कही गई, ठीक है। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला बात करेंगे, पहला राज्य कौन हो जाएगा, उत्तराखंड, ठीक है। यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा, वो भी मतलब क्या होगा, उत्तराखंड होगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर में धारा 375 और 35(1) से समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो 11 अगस्त 2019 को, ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष राज्य दर्जा धारा 370 और 35(1) को हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है, अस्तित्व में आया। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जी का पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, ठीक है, हैप्पी बर्थडे है, ठीक है। चले नीति आयोग की बात करें, इसका गठन कब किया गया, 1 जनवरी 2015 को। एग्जाम में नीति का फुल फॉर्म बढ़ता है, नीति का फुल फॉर्म पूछे, कई बार एग्जाम में नीति का फुल फॉर्म पूछा है, पर ये क्या नीति का फुल फॉर्म क्या होगा, बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। मेरे पास समय बहुत कम है, जो जो इंपोर्टेंट है सब करवा रहा हूँ, जहां से प्रश्न हुआ एग्जाम में आने के चांसेस है। प्रथम उपाध्यक्ष की बात करेंगे अरविंद परगरिया, और प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो मोदी जी, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। जीएसटी अपनाने वाला पहला देश की बात करेंगे, कौन है जीएसटी अपनाने वाला पहला देश, पहला देश, ठीक है, भारत। भारत का जीएसटी किस मॉडल पे है, फ्रांस मॉडल पे, फिर कनाडा के मॉडल पे, किस मॉडल पे है, भारत के जीएसटी की बात करेंगे कनाडा मॉडल का है, ठीक है। जीएसटी में टैक्स स्लैब कितने होंगे, जीएसटी में 0%, बताइए जीरो है, ठीक है, 5 है, 12 है, 18 है और 28 है, ठीक है। जीरो को नहीं काउंट कीजिएगा तो 5, 12, 18, 28 है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, वित्त मंत्री, जो होते हैं मतलब क्या होते हैं, राज्यों के मतलब क्या होता है, वित्त मंत्री होते हैं या फिर राज्य के द्वारा तय किए गए कोई सदस्य होते हैं, ठीक है। कैमा संशोधन किया गया जीएसटी को लागू करने के लिए, क्या बताएंगे, 101 गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, 15 डिजिट का होता है, ठीक है। आपसे डिजिट पूछ रहा हूँ, आप बताइए पैन कार्ड में आपके कितने डिजिट, 10, 14, 12 होता है, ठीक है। जीएसटी के पंजीकरण में कितने डिजिट, 15 होता है, IFCS होता है, ठीक है, इंडियन फाइनेंस, IF इंडियन फाइनेंशियल कोड सिस्टम समथिंग होता है, इसमें कितने डिजिट होते हैं, 6 होते या 7, SBIN, ठीक है, 000 7 कोड ना, हाँ, IFCS होता है, IFSC होता है, कितने होते हैं, 11 डिजिट होते हैं, हम अपना लिख के देख रहे हैं, भूल गए सर, 11 को होता है, ठीक है। तो ये प्रश्न कभी कभी पूछते हैं, जो भी प्रश्न पूछने की संभावना है, ठीक है, मैं सारा करवा रहा हूँ, ठीक है। ग्यारह डिजिट होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये सारे प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। अभी जीएसटी चर्चा में सर 15 डिजिट होते हैं, एक बार आधार कार्ड का नंबर पूछा था, क्यों पूछा था पता नहीं था, क्योंकि जब हम एग्जाम देने गए थे मेरे सामने ही आधार कार्ड, हमको पता नहीं था, हम गिन के टिक लगा दिए आईटी प्रूफ पास में ही था, ठीक है। कौन चीज का एग्जाम था, ये एग्जाम था आपका FFCI का एग्जाम था, ये ना करवाएंगे, कहीं थोड़ा घिसने दीजिए ना, थोड़ा साइंस के लिए रखे लास्ट का 2-3 दिन, सर 25 को पूछेगा, सर इतना कंफ्यूज जो भी होगा सब करा देंगे, बाकी तो एक बार भगवान के नाम लेके एग्जाम से देकर आइएगा, अच्छा ही होगा एग्जाम, ठीक है।
फिर मेंस के लिए भी बहुत सारा प्लान है मेंस के लिए। चले आगे, ये छुट्टी चाहिए बोलो। पढ़ाइए। ठीक है, पेड ग्रुप का सारा इंफॉर्मेशन जो है आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बिहार का एग्जाम देकर आइए, उसके आराम से मेंस का तैयारी हमारे साथ कीजिए, ठीक है। याद सब कुछ करवा दूंगा, ठीक है, 4-5 किताब। क्या 18 तारीख के बाद नहीं हो सकते ज्वाइन? तो हो सकते, क्यों नहीं, 299 आपको बीएससी और एसआई वाला के लिए देना पड़ेगा, 499 अलग से आपको बिहार बीपीएससी के लिए देना पड़ेगा। अभी ज्वाइन करते हैं तो 499 देके, ठीक है, इसमें भी आपको सीधा सीधा आपको मिल जाता है, बिल्कुल। 18 के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, हाँ दोनों में मिल जाएगा। 18 के बाद ज्वाइन कीजिए हमारा, अच्छा 500 रुपया इधर दीजिएगा, 800 रुपया दीजिएगा, अभी ज्वाइन कीजिएगा तो 500 रुपया दीजिएगा, हम तो चाहते हैं 18 के बाद ज्वाइन कीजिए। सर अभी कर देते हैं? नहीं करते, ये बार जान लीजिएगा, ठीक है ना, तो हम कभी पैसा कमाएंगे ना तो कभी हम पैसा बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं। आज मेरा बर्थडे है तो परसों नेहरू जी का बर्थडे है, तो आज मोदी जी का बर्थडे के शुभ अवसर पे 50 रुपया कमा दी, सो कोई नियम में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो है सो फिक्स है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कब ज्वाइन करना है। जो भी ज्वाइन करने वाला 18 के ज्वाइन कीजिए, हमें अच्छा है, हमें ज्यादा पैसा आएगा मेरे पास, ठीक इतना है। मेहनत है सर, करवा दीजिए, लेकिन दरोगा निकलवा दीजिए। देखिए मेंस के लिए हम बहुत कुछ प्लान किए हैं, आप मेरे प्लान के ऊपर काम कीजिए, जरूर रिजल्ट आएगा, ठीक है, हम जो करवा रहे हो कीजिए, ठीक है। अरे देखिए अभी हमारे ग्रुप में कुछ लोग नहीं है, ठीक है, आप क्या ही बोलो ऐसे लोग, कुछ लोग है जैसे डायरेक्ट पीके थी, अर्चना झा थी, ये सबका प्री क्लियर होने के बाद लीव करके चली गई, ठीक है, फिर आएगी सेंटे बीपीएससी में, ठीक है, ये सब का बार 20 दिन 22 दिन पढ़ा के मतलब 4 लोगों का प्री क्लियर हुआ था, ठीक है, मात्र 20 22 दिन करवाए थे, ठीक है, नाम तो हम नहीं लेते जल्दी किसी का, लेकिन सब मतलब मेन मतलब ना प्री क्लियर होने के बाद सब गायब है, मतलब नजर नहीं है प्री क्लियर होने के बाद कोई भी, ठीक है सर, हम पहली बार 70 बीपीएससी में, 70 बीपीएससी, 70 बीपीएससी सब, कौन सा कितना नंबर, लड़कों को, लड़का है ना आप जी, प्रिया, ठीक है, कम से कम आपको 65 क्वेश्चन कम से कम सही कीजिए, हम लोग 60 के 65, हमारी महिलाएं नारी बंधन योजना मिल चुका है आप लोग का, ठीक है, कम से कम 60 क्वेश्चन, 60 तो नहीं, 60 प्लस, आप लोग क्या लड़का लोग 65 प्लस कीजिए, ठीक है, महिलाएं 60 प्लस, ठीक है, 5 नंबर का अंतर रहेगा, पिछला बार आई थिंक 118 कट ऑफ कितना क्या था नीकू जी, कट ऑफ 18 में 118 ना सर, तो पिछला बार का क्वेश्चन भी तो पागल जैसा था, तो इस बार का कैसा क्वेश्चन हो गया आपको पता है क्या, इस बार का सही सिलेबस रह गया तो 70 के नीचे लग नहीं रहा है कोई चांस, हाँ वही 65 प्लस के मतलब आसपास में काउंट करके चल रहा हूँ, ठीक है, काट छाट के जिनका भी 130 135 नंबर बनेगा, ठीक है, 130 135 135 समझे ना, मुझे लगता है जनरल का कटअप 135 रहेगा प्री का, मेरा अनुमान है, ठीक है, 135, ठीक है, अच्छा नंबर होता है 135, खराब नंबर नहीं होता, बढ़िया नंबर है, अब अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाए तो कुछ नहीं है, उसी के आसपास आप लोग कीजिए, क्या 100 नंबर का एग्जाम होता है तो 135 कैसे आएगा, 200 नंबर का एग्जाम होता है, 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होते, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है, इसे लगा 100 में 135 लाना पड़ेगा, 100 में 135 नहीं लाना है, 200 में 135 लाना है, ठीक है, चलिए कंफ्यूज हो गई है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको आईएलओ के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा, लंदन में, जेनेवा में है, ठीक है, स्थापना कब हुई थी, 1 मई 1919, ठीक है, 1 मई 1919, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कब हुई थी, 1 मई 1919, हाँ ठीक है, इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, ठीक है, 1 मई 1919 में, ठीक है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है, लंदन, लियोन्स, ये कहाँ पे है, ध्यान में रखेंगे, लियोन्स में, ठीक है, लियोन्स कहाँ पे पड़ता है, फ्रांस में, फ्रांस, ठीक है, कहाँ पे पड़ता है, फ्रांस में, स्थापना कब हुई थी, 1923 में, नहीं 1923 में इंटरपोल की स्थापना हुई थी, राष्ट्रमंडल का स्थापना कब हुई थी, राष्ट्रमंडल 1931, राष्ट्रमंडल की स्थापना के बाद 1931 में, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना, 1950 भारत,
1949 में शायद बना था भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य, ठीक है? नहीं 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 सॉरी सॉरी सॉरी, भारत को 1949 में तो कुछ और था ना, भारत को राष्ट्रमंडल का सदस्य पहले ही बना दिया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर भारत ने घोषणा आजादी के बाद 1949 में किया था, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? संयुक्त राष्ट्र 1928, अरे राष्ट्रमंडल जब 1931 में बना था, 1928 में भारत उसका सदस्य कैसे बन सकता है? आधिकारिक तौर पर घोषणा किया गया था 1949 में। यूएनए कहाँ पे? यूएनए, यूएनए का मुख्यालय न्यूयॉर्क की बात करेंगे तो 1945 में था। आईएमएफ की, आईएमएफ की मुख्यालय कहाँ पे? आईएमएफ वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। स्थापना की बात करें कब हुआ था स्थापना? 45 में, ठीक है? चले विश्व बैंक की बात करेंगे, सेम 45 में वाशिंगटन डीसी, ठीक है? एफएओ का मुख्यालय कहाँ? एफएओ रोम, रोम में है, ठीक है? इसकी भी स्थापना 1945 में, ठीक है? आईसीजी, ठीक है? आईसीजी का मुख्यालय कहाँ पे? आईसीजी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जिसको बोलते हैं, द हेग में है, ठीक है? द हेग की बात करेंगे, नीदरलैंड में 1945 में इसकी स्थापना। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना पेरिस में हुआ था, और इसकी 1945 में पेरिस में इसका मुख्यालय, ठीक है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे? यूनिसेफ का इम्पोर्टेंट है ये, और इसका प्रमुख भी पूछ सकता है, प्रमुख भी पूछता है, कैथरीन रसेन है, ठीक है? ध्यान में रखिएगा, ठीक है? डब्ल्यू एच ओ का बताइए, डब्ल्यू एच ओ की स्थापना कब हुई थी? डब्ल्यू एच ओ 48, ठीक है? 7 अप्रैल 1948, ठीक है? 7 अप्रैल 1948, ठीक है? और बात करेंगे 7 अप्रैल को डब्ल्यू मतलब स्वास्थ्य दिवस भी बनाते हैं, ठीक है? ध्यान में रखेंगे, टेड्रोस है अभी अध्यक्ष, हाँ टेड्रोस साहब जो है इसका, ठीक है? ध्यान में रखेंगे। और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की स्थापना की बात करेंगे, कहाँ कब हुआ था इसका स्थापना? 1961 नाटो की स्थापना 1949 में मुख्यालय, ठीक है? संयुक्त शरणार्थी उच्च UNHCR की स्थापना की बात करें 50 में हुआ था जिनेवा में, ठीक है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय का यूरोपीय संघ का ब्रुसेल्स में, ठीक है? इसकी स्थापना कब हुई थी? यूरोपियन यूनियन दोनों ब्रुसेल्स में ना, ठीक है? बिल्कुल, ठीक है? 1958 में इसकी स्थापना। ओपेक, ओपेक का मुख्यालय कहाँ? ओपेक का मुख्यालय वियना, कब हुई थी? 1960 में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट, क्या एक्सपोर्ट, एक्सपोर्टिंग कंट्री, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओपेक में मेंबर्स कितने हैं? 13 हैं शायद, 13 ही। इजराइल शायद लास्ट बाहर हुआ था ना, ओपेक में 15 मेंबर है सर, ठीक है? शायद 15 मेंबर हैं। कंफर्म में कितने हैं सर? कंफर्म बताइए सर। 13 इराक ये सब चेक कर लीजिए सर, 15,000 ओपेक में, ठीक है? देखिए तो गुट निरपेक्ष नाम की स्थापना 1961 में जाकर्ता इंडोनेशिया में हुआ था, ध्यान में रखेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में, मुख्यालय के बाद लंदन यूके में है। अनकार्ड, ठीक है? अनकार्ड की बात करेंगे, स्थापना 1964 में जिनेवा में। कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करती है अनकार्ड ने, कौन सा रिपोर्ट देती है अनकार्ड? क्या है उसमें? ओपेक में 13 देश है, ओपेक में 8, हाँ ओपेक में 15 है, 15 पर है तो ठीक है। चलिए अनकार्ड कोई रिपोर्ट भी देती है ना, अनकार्ड कोई बाहर हुआ होगा फिर, हाँ अनकार्ड रिपोर्ट भी देती है, कोई रिपोर्ट देती है ना अनकार्ड, कौन सा रिपोर्ट देती है? संभावना, आर्थिक संभावना रिपोर्ट, एक मिनट एक आउटलुक देती है ना, कौन सा रिपोर्ट देती है? कोई संभावना रिपोर्ट देती है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट देती है अनुसार शायद, इन्वेस्टमेंट, हाँ वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट देती है, ठीक है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला फिलीपींस, फिलीपींस में, ठीक है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? शंघाई, सार का मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू, ठीक है ध्यान में रखेंगे, ठीक काठमांडू में, ठीक है ध्यान में रखेंगे, ठीक है? और बात करेंगे आप हमें ये बताइए, ठीक है? चलिए एशियान का मुख्यालय कहाँ पे है?
इंडोनेशिया जकार्ता। ठीक है ध्यान रखेंगे। ठीक है पहले बात करेंगे यहाँ पे G15 का, कहाँ पे G15 का? जिनेवा। कहाँ पे APEC का? सिंगापुर। सिंगापुर में। ठीक है कहाँ पे? तो सिंगापुर में। ठीक है ध्यान में रखना है। ठीक है आप चलेंगे यहाँ पे। ठीक है विश्व व्यापार संगठन WTO का कहाँ पे है? जिनेवा। बात करें भीमस्टेक का, कहाँ पे भीमस्टेक का? ढाका में। ढाका संगठन का कहाँ पे है? बीजिंग। बीजिंग में। ठीक है अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेवक संगठन का कहाँ पे? तो बता ही दिया आप लोगों ने। ठीक है आपराधिक न्यायालय, ठीक है आईसीसी के कहाँ पे? आईसीसी का 2000। ठीक है ये दाहेक में पड़ता है। अफ्रीकन यूनियन का कहाँ पे? अफ्रीकन यूनियन का ठीक है इथोपिया के कैपिटल है। ठीक है 55 नेशन इसके सदस्य है। ठीक है ब्रिक्स का बताइए, ब्रिक्स का कौन सा है, कहाँ पे है ब्रिक्स का? शंघाई चीन में। ठीक है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की बात करेंगे तो इसके गुरुग्राम हरियाणा में हमारे यहाँ है। ठीक है अजय माथुर जो इसके चीफ है। ठीक है ध्यान रखें। 95 देश की बात करेंगे चिली है। ठीक है 100 देश आ गए थे ना इसमें, 102 नंबर पे ये पहला का डाटा है। ठीक है 100वां देश तो यूएसए बना था ना, 100वां देश यूएसए बना था, 101वां बना था। अच्छा 102 टोटल देश हो जाएंगे ना, 102 में एंटीगुआ बारबुडा था। चलो विश्व का 5वां कॉफी सम्मेलन की बात करेंगे, पहली बार भारत में हुआ, कहाँ पे हुआ है? कर्नाटक। इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे, किसे बनाए गए थे? लिएंडर पेस थे क्या? नहीं महेश भूपति थे। महेश भूपति होंगे साथ। चेक कीजिए इसका कौन था, महेश भूपति इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। ठीक है कितने नंबर का G20 भारत में हुआ है? 18वां नंबर का G20 हुआ है। ठीक है भारत में। ठीक है कहाँ पे हुआ? भारत में नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है ध्यान रखें। थीम की बात करें वसुदेव कुटुम्बम था। ठीक है भारतीय शेरपा की बात करेंगे अमिताभ कांत था। पहली G20 की शेरपा की बैठक कहाँ पे हुई? पहली G20 शेरपा की बैठक कहाँ पे हुई? ठीक है G20 में शामिल नया अस्थायी सदस्य कौन बन गया है? अफ्रीकन यूनियन। ठीक है G20 ट्रायर्किया की बात करेंगे तो 17वां, 18वां, 19वां आएगा। तो 17वां वाला कहाँ पे हुआ है? इंडोनेशिया में हुआ है। ठीक है इंडोनेशिया के बाली में। 19वां वाला कहाँ पे? 19वां वाला ब्राजील में हुआ है। ठीक है चलिए बात करेंगे 43वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? जकार्ता में हुआ है। ठीक है ब्रिक्स की बात करेंगे 2023 वाला ब्रिक्स कहाँ पे हुआ है? जोहान्सबर्ग। सम्मेलन के अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने किया, राष्ट्रपति के नाम बताइए क्या है? एरिसिल रामफोसा। भारत का प्रतिनिधित्व मोदी जी ने किया है। ठीक है थीम की बात करेंगे छोड़ दीजिए। ठीक है पार्टनरशिप एंड म्यूचुअली एक्सिलिटेटेड ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है ब्रिक्स एंड अफ्रीका। ठीक है 6 नए देश कौन से शामिल किया? दरोगा में जरूर पूछेगा, ये पूछ सकता है अब कैसा के एग्जाम में। 6 देश का नाम याद कीजिए, क्या नाम है 6 देश का नाम? ब्राजील, ईरान, कौन कौन देश है? मिस्र है, सऊदी अरब है, यूएई है, इथोपिया है। ऐसे याद रख सकते हैं ना, मिडिल ईस्ट के 3 है और ये मिस्र। मिडिल ईस्ट के 3 सऊदी अरब, यूएई और मिस्र। ठीक है इथोपिया, अर्जेंटीना, यूएई और ईरान ना, मिस्र तो उधर है ना? मिस्र नहीं होगा, अफ्रीका में पड़ेगा मिस्र। सऊदी अरब, यूएई और ईरान हो जाएगा। ईरान ठीक है और इथोपिया। नॉर्थ अमेरिकन कंट्री एक अर्जेंटीना, इथोपिया आ गया। ठीक है और एक कंट्री मिलकर। ठीक है अब आगे चलेंगे तो बताइए। ठीक है 14वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? बीजिंग। इसका 14वां सम्मेलन ब्रिक्स का। ठीक है बीजिंग में हुआ है। ठीक है बीजिंग में। ठीक है और 16वां की बात करेंगे तो कजान रूस में हुआ है। 16वां कजान रूस में, 14वां बीजिंग में। ठीक है 15वां की बात करेंगे तो आपको कहाँ? 14वां सर अभी होगा, अभी हुआ नहीं है, 16वां हुआ नहीं है। वही 2024 में होगा। कहाँ पे होगा? कजान रूस में। ठीक है ब्रिक्स का कजान रूस में होगा। 15वां आपको दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। ठीक है चलेंगे 14वां चलेंगे बीजिंग। ठीक है चलिए नाटो का बात करेंगे तो नाटो का क्या ही बात करें। ठीक है 34वां सम्मेलन 2024 में वाशिंगटन DC में। इसके द्वारा एक नाटो के सदस्य देशों को द्वारा एक्सरसाइज किया गया था, नाम क्या था उसका? कोल्ड रिस्पॉन्स।
लिथुआनिया एयर डिफेंडर किया गया था एयर एक्सरसाइज। ये कोल्ड रिस्पांस भी तो नाटो का ही होता है ना। अच्छा कोल्ड रिस्पांस किसका होता है? कोल्ड रिस्पांस भी तो नाटो से ही होता है एक्सरसाइज, मतलब नाटो कंट्रीज के बिटवीन। और ठीक है एयर डिफेंडर हुआ था, ठीक है ध्यान में रखिएगा ये मतलब एयर डिफेंडर हुआ जो कि सबसे बड़ा एयरफोर्स का एक्सरसाइज था। ठीक है चलिए 32वां की बात करें, मैड्रिड स्पेन में हुआ है, ठीक है ध्यान में रखेंगे 32वां जो है मैड्रिड स्पेन में। ठीक है 24वां की बात करें वाशिंगटन डीसी में होगा। ठीक है एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? आयोजन भारत में हुआ। ठीक है थीम क्या था? टुवर्ड्स ए सिक्योर एससीओ। ठीक है टुवर्ड्स ए सिक्योर एससीओ, ठीक है ध्यान में रखेंगे, ठीक है ध्यान में रखेंगे। ठीक है 22वां कहाँ पे होगा? 22वां 2022 में कहाँ पे हुआ है एससीओ? तो समरकंद में हुआ था उज्बेकिस्तान में। ठीक है ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे विश्व स्वास्थ्य सभा छोड़ दीजिए, हिंद महासागर सम्मेलन। हाँ हिंद महासागर सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में हुआ, उसका पीएम जो है शेख हसीना है। ठीक है G7 में आते हैं, G7 का आयोजन हिरोशिमा जापान में हुआ है। ठीक है 48वां सम्मेलन जो हुआ था 2022 में हुआ था जर्मनी में। आप 50वां सम्मेलन की बात करेंगे 2024 में जो होगा कहाँ पे होगा? कहाँ पे होगा? इटली में होगा। 49वां सम्मेलन की बात करेंगे हिरोशिमा में हुआ है। ठीक है G7 का 49वां हिरोशिमा में, ठीक है उससे पहले जर्मनी में, उससे पहले इटली में। ठीक है ध्यान में रखेंगे। ठीक है पहला मोदी जी भी गए थे, ठीक है लेकिन भारत इसका मेंबर नहीं है। ठीक है पहला वैश्विक बौद्धिक सम्मेलन की बात करेंगे नई दिल्ली में हुआ है, ध्यान में रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन पहला बार हुआ है, कहाँ पे हुआ है? तो न्यूयॉर्क में हुआ, फर्स्ट बार हुआ है। ठीक है ध्यान में रखेंगे। ठीक है विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें आयोजक देश जो था फिजी था, नाडी पीजी में हुआ। ठीक है विदेश मंत्री की बात करेंगे जयशंकर साहब वहां पे, मतलब वहां का कौन था जिनको फिजी का बड़ा चर्चा में था, वहां के राष्ट्रपति क्या नाम है उनका बताइए सर? क्या रामचंद्र? नहीं सिरिल रामाफोसा था क्या? नहीं नहीं वो तो अफ्रीका का है। और कोई आदमी? कोई मुस्लिम है ना? फिजी का राष्ट्रपति का नाम नहीं है, पीएम का बताइए। पीएम पीएम थे कि राष्ट्रपति थे फिजी के? अरे चेक कर लेता हूँ रुकिए। स्टीवनी रबुका लिखा हुआ, कहाँ का था वो जिसके? अरे जिसके प्रवासी प्रवासी वाला का मैं पूछ रहा हूँ, सॉरी 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 प्रवासी वाला में कौन थे जिनके नाम पे प्रवासी अवार्ड उनको दिया गया है? इंदौर में हुआ था प्रवासी महोत्सव, मोहम्मद कुछ इरफान करके है वो ना? तो अब्दुल अल फतर अल सीसी थे। नहीं वो तो मिस्र के आए थे, वो तो दूसरे हैं। अरे प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय पुरस्कार समथिंग उनको दिया गया है। ठीक है मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इरफान है बिल्कुल। ठीक है इस बार इंदौर में हुआ है। ठीक है पीजी के नहीं थे, यहाँ के थे, क्या नाम था उसका? वो पापुआ न्यू गिनी या फिर निकार कर क्या था वो? देख लीजिए कहाँ का मोहम्मद इरफान। ठीक है गुएना का था? हाँ गुएना के। अच्छा चलो I2U2, ठीक है I2U2 किसके बीच में होता है ये इम्पोर्टेंट है। I2U2 इंडिया इजराइल, इंडिया है इजराइल है, यूएसए है और मतलब यूएई है। ठीक है दो क्वाडनेशन है, ठीक है इंडिया और यूएसए है, ठीक है इजराइल और यूएई इसमें नहीं है। ठीक है I2U2 होता है, ठीक है ध्यान में रखेंगे। ठीक है जलवायु परिवर्तन के लेकर बात करते हैं तो COP27 कहाँ पे हुआ था? मिस्र में। COP28 कहाँ पे हो रहा है? एकदम अपडेटेड किताब है। ठीक है COP28 कहाँ पे हो रहा है? ठीक है COP29 भी पता है कि कहाँ पे होगा? नहीं पता नहीं, हमें भी नहीं पता। ठीक है चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में, ठीक है ध्यान में। यूरो इंडिया की बात करके बेंगलुरु में हुआ है, ठीक है ध्यान में रखेंगे। डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव भी बेंगलुरु में हुआ है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्ट लखनऊ में हुआ है। विज्ञान कांग्रेस वाला इम्पोर्टेंट है, 108 नंबर का विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे हुआ है? ठीक है ध्यान में कहाँ पे हुआ है? ठीक है ध्यान में रखेंगे कहाँ पे हुआ है, तो ध्यान में पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? पुणे महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक है ध्यान में रखेंगे। ठीक है बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे? 108 नंबर का है, ठीक है कहाँ पे? 108 नंबर का है। ठीक है बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे हुआ है? अहमदाबाद में। अब आ गया देखिए यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे आ गया। ठीक है 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 की बात करेंगे तो इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक है 8 से लेकर 10 जनवरी तक हुआ है। ठीक है मुख्य अतिथि डॉक्टर जुफान अली थे जो कि राष्ट्रपति थे गुना के। ठीक है विशेष अतिथि मित्र सूरी नाम के राष्ट्रपति थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ठीक है भारतीय मूल के ही है। ठीक है सम्मेलन का विषय क्या है? डायस्पोरा। डायस्पोरा के अमृतकाल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, ठीक है ध्यान में रखेंगे। ये भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 9 जनवरी को।
9 जनवरी को गांधी जी इसी दिन दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, ठीक है। अब आते हैं 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव की बात करें, हुबली कर्नाटक में हुआ है, ठीक है। बोल दीजिए, जल संरक्षण पर विखिल प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। डिफेंस एक्सपो अहमदाबाद गांधीनगर में, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अहमदाबाद एवं गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो, और कुछ नहीं है इसमें। अब ऑपरेशन चलते हैं, ठीक है। ऑपरेशन अजय कहाँ पे चला? ऑपरेशन अजय इजराइल और हमास युद्ध के दौरान। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड किसने किस पे चलाया? ऑपरेशन आयरन स्क्वाड इजराइल ने हमास पे चलाया, बिल्कुल इजराइल ने हमास पे चलाया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इजराइल ने हमास पे चलाया। ऑपरेशन सजग, ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा चलाया गया, ठीक है। ऑपरेशन त्रिनेत्र, ठीक है, सुरक्षा बल, ठीक है, सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पूंछ में आतंकवादी को पकड़ने के लिए चला होगा। ऑपरेशन करुणा किसने चला? ऑपरेशन करुणा भारतीय सरकार, भारत और म्यांमार के बीच, बिल्कुल, भारतीय भारत सरकार ने भारतीय नौसेना ने चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार के लिए ऑपरेशन ध्वस्त चलाइए। किसने चलाया? एनआईए ने चला ऑपरेशन ध्वस्त, इसलिए एनआईए ने चलाया, ठीक है। ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी कहाँ पे चला है? बिल्कुल, ऑपरेशन कावेरी की बात करेंगे तो सूडान में चला, ठीक है। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य की पुलिस ने चलाई? ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस, बिल्कुल, ठीक है, उत्तराखंड पुलिस ने चलाई ऑपरेशन मर्यादा, ठीक है। ऑपरेशन सद्भावना बताइए, ठीक है, ऑपरेशन सद्भावना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भारतीय सेना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में एलओसी के पास, ठीक है। ऑपरेशन अलर्ट किसने चलाया है? ऑपरेशन अलर्ट बीएसएफ ने चलाया ऑपरेशन अलर्ट, ठीक है। ऑक्टोपस किसने चलाया? ऑक्टोपस एनआईए और ईडी, बिल्कुल, ठीक है, पीएफआई के विरुद्ध चलाया गया है, ठीक है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध, ठीक है, एनआईए और ईडी के द्वारा, ठीक है। ऑपरेशन दोस्त इंडिया, ऑपरेशन दोस्त, ठीक है, भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया में मदद करने के लिए। ऑपरेशन गरुड़ किसने चला? ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई के द्वारा, ठीक है, ठीक है। ऑपरेशन मेघ चक्र सीबीआई के द्वारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए, ठीक है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए सीबीआई के द्वारा, ठीक है। ऑपरेशन नार्कोस किसके द्वारा चलाएगा? ऑपरेशन नार्कोस द्वारा, बिल्कुल, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन नार्कोस, ठीक है। ऑपरेशन मिशन अमानत किसने चलाया? ऑपरेशन मिशन अमानत इंडियन रेलवे, कोई भी सामान को ट्रैकिंग के लिए। ऑपरेशन गंगा किसके द्वारा चलाया? ऑपरेशन गंगा, बात करेंगे भारत सरकार द्वारा यूक्रेन में फंसे यात्रियों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन ओलिविया कोस्ट गार्ड, ऑपरेशन ऑल भी बताइए, बिल्कुल, वहाँ पे कौन सा कुछ है? रिडले, कौन सा कुछ पाया जाता है? रिडले नाम का कछुआ है ना, वो लाइव रिडले कुछ नाम का कछुआ है, उसको बचाने के भीतर करने का। ऑपरेशन सतर्क, ऑपरेशन सतर्क, हाँ, ऑपरेशन सतर्क किसने चलाया? आरपीएफ द्वारा, बिल्कुल, रेलवे सुरक्षा बल के आरपीएफ के द्वारा। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय कहाँ पे चलाया गया? इंडिया, बिल्कुल, ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे के द्वारा, ठीक है, टिकट के कालाबाजारी को रोकने के लिए। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सियाचिन ग्लेशियर पे, ठीक है। ऑपरेशन आहट किसके द्वारा? बच्चों और महिलाओं के तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट, ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा, ठीक है। ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा भांग की खेती में समाप्त करने हेतु, ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन का समय टमाटर प्याज आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले चीजों से, मतलब ध्यान में टमाटर आलू प्याज से, केंद्र सरकार के द्वारा। ऑपरेशन समुद्र सेतु किसके द्वारा? मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 भी चलाया गया, नौसेना और ऑक्सीजन कंटेनरों के तीव्र गति से शिपमेंट के हेतु। ऑपरेशन नमस्ते किसने चलाया? भारतीय सेना के द्वारा। कोविड के समय में हाथ नहीं मिलाना है, क्या करना है? दूर से ही नमस्ते करना है। ऑपरेशन वंदे भारत, ठीक है, 14,800 भारतीयों को वापस लाया गया जो की विदेश में फंस चुके थे, ठीक है, भारत विदेश मंत्रालय के द्वारा। ऑपरेशन मिशन सागर की बात करेंगे तो विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव और मेडागास्कर में, ठीक है। अब आते हैं ऑपरेशन गंगा की बात करते हैं, 2022 को चला गया यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाना था विदेश मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई, ठीक है, 4 मंत्री गए थे, कौन कौन मंत्री गए थे? किरण रज्जू साहब जो थे स्लोवाकिया से थे, हरदीप पुरी जी, पुरी खाने से आपकी हंगरी मिट जाती है, ठीक है। बीके सिंह की बात करेंगे पोलैंड से थे, ठीक है, ज्योतिराव सिंधिया की बात करें रोमानिया से, 4 मिनिस्टर हमारे गए थे, किरण रिजू साहब, हरदीप पुरी सिंह, ठीक है, बीके सिंह, ठीक है, और बात करें ज्योतिराव सिंधिया, ठीक है, 4 यूक्रेन से सटे पड़ोसी देशों में, मतलब स्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड और मतलब रोमानिया, इन सभी जगह पे जो थे ये चारों के सारे मंत्री जाके वहां से लोगों को वापस लेकर आए, ठीक है।
प्रमुख आतंकी वगैरह छोड़ दीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना के तहत 2016 में चलाया गया, पता ही है। मुंबई हमला 2008 में हुआ था, पता ही आपको। ठीक है, कंधार प्लेन हाइजेक कब हुआ था? कंधार प्लेन हाइजेक 99 99 में एक प्लेन आ रही थी, ठीक है, जिसका नाम था, ठीक है, 814, ठीक है, एयरलाइंस 814 को, जो कि कहाँ से आ रही, काठमांडू से आ रही थी, त्रिभुवन हवाई अड्डा काठमांडू से, वहां से प्लेन को हाईजेक करके, ठीक है, इसको कहाँ ले गया था, इसको मतलब ले गया कंधार ले गया, ठीक है, वाजपेयी जी की सरकार थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग को, ठीक है, आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा, हफीज सईद उसी में छोड़ा गया था, ठीक है, हफीज सईद जो है मुंबई में। हमला का मास्टरमाइंड था, उसी में छोड़ा गया था कंधार प्लेन हाईजेक के दौरान ही, ठीक है। देखिए गधा अपना नंबर दे रखा है, किसका पीडीएफ है ये, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, अब आते, ज्यादा तो नहीं हो रहा, थोड़ा और पढ़ा देना, थोड़ा हाँ सर, दीजिए। सा और पढ़ाता हूँ, ठीक है। जितना वजह से अब क्लास आते चल हैं रहा है सर आपको? 8:30 बजे से, ठीक है, 8:30 बजे से चलती है, फिर शाम में चलेगी 3:30 बजे से चलेगी, फिर 3 बजे से चलेगी, मैसेज डाल दिया जाएगा। आपका लूसेंट स्पेशल चल रहा है, बिहार एसआई के लिए चल रहा है, ठीक है, बाकी सारे क्लासेस है बीपीएससी के लिए, सारे पेड ग्रुप में शिफ्टेड है, तो अगर आप लोग बीपीएससी का प्रॉपर बीपीएससी के तैयारी लिए सर करना कब से चाहते क्लास हैं, चल रहा है? बीपीएससी के लिए क्लास चलती है रात में 9 बजे से, पेड ग्रुप में चलती है, इन्फॉर्मेशन देखिए ग्रुप में है, फिर से एक बार इन्फॉर्मेशन डाल दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक अच्छा ठीक, है, देखिए इन्फॉर्मेशन आपको चला जाएगा, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, देखिए ये इन्फॉर्मेशन है सारा, इसी तरीके से चीजों को ज्वाइन करना है, ठीक है, पढ़ लीजिए इस मैसेज को, सारा इन्फॉर्मेशन इसी में, ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट की बात करेंगे, 7वां संस्करण है, ठीक है, कौन सा मंत्रालय ने जारी किया था? केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय, ठीक है, सबसे प्रथम स्थान पर लगातार 6ठे बार, ठीक है, लगातार 6वीं बार टॉप किया है, ठीक है, इंदौर ने किया है, दूसरा स्थान पे सूरत आया, तो तीसरा स्थान पे कौन आया? मुंबई, नवी मुंबई। मुंबई, नवी मुंबई आ गया, ठीक है, तो पहला नंबर पे इंदौर, लगातार 6वीं बार, ठीक है, दूसरा स्थान पे सूरत, ठीक है, सूरत को कौन सा सिटी बोलते हैं, गोल्डन सिटी या फिर डायमंड सिटी? डायमंड सिटी, डायमंड सिटी सर। डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं, बिल्कुल, नवी मुंबई तीसरे नंबर पे आया, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग 7 स्टार रेटेड में, एक ही शहर को केवल 7 स्टार रेटेड मिला है, ठीक है, कौन से शहर को? इंदौर को 7 स्टार रेटेड मिला है। 5 स्टार रेटेड में, ठीक है, बात करेंगे, ठीक है, सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, तिरुपति, ठीक है, 5 स्टार रेटेड में कौन कौन शहर है? 3 शहर, और यहाँ पे 3 शहर, 6 शहर को 5 स्टार दिया गया है, सूरत है, भोपाल है, मैसूर है, नवी मुंबई है, विशाखापट्टनम है, तिरुपति है, 7 स्टार शहर में केवल 1 शहर, कौन सा शहर? इंदौर। वाटर प्लस सिटी कौन सा? वाटर प्लस सिटी इंदौर, इंदौर। मतलब पानी की कमी नहीं वहां पे, ठीक है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंगलुरु स्टेट पब्लिक अफेयर्स सेंटर जारी करती है, ठीक है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में बड़े और छोटे राज्यों की बात की, हरियाणा एक 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 में से स्कोर दिया गया, ठीक है, 1 में से कितना स्कोर मिला, बड़े रनों में, वाटर बड़े राज्यों में हरियाणा प्लस पहले नंबर सिटी पे। किसे हाँ, बोलते हैं? वाटर प्लस सिटी किसी सिटी को कब बोलते हैं? कब बोलते हैं? इंदौर को दिया गया वाटर प्लस सिटी, जब वहां पे क्यों? पानी का उपलब्धता आसानी से जी उपलब्ध हो नहीं, जाए। पानी की उपलब्धता नहीं, जो कि वेस्ट वाटर है ना, उसका मैनेजमेंट सबसे बेस्ट होता है, वो होता है वाटर प्लस सिटी, मतलब वेस्ट ओके वाटर भी वेस्ट नहीं होगा। ओके ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसको वाटर प्लस सिटी, इसको ध्यान में रखिएगा, और बेंगलुरु स्टेट पब्लिक अफेयर सेंटर ने पब्लिक अफेयर इंडेक्स को जारी किया, हरियाणा टॉप पे बड़े राज्यों में, सिक्किम छोटे राज्यों में, ठीक है, सबसे अच्छा खराब स्थान झारखंड को मिला है, नहीं बिहार है सॉरी, 15वां स्थान जो है किसके मिला है? बिहार को मिला है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा नंबर आप भाई। चलेंगे आगे, ठीक है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, ठीक है, 2022 जारी की गई है, किसने जारी किया है, इंपोर्टेंट है ये, ये आई क्यू गलत है एयर ने सर, जारी किया है, किसने 2022 जारी का किया? दिखा रहा है सर, अभी आप तो अभी दो चाइना का हजार बीजिंग शहर है ना सर। नहीं आया होगा, 23 वाला, 23 वाला आ गया, वो आई क्यू एयर वाला आ गया क्या, 23 वाला? अरे हाँ तो लेटेस्ट वाले में चाइना का बीजिंग है सबसे टॉप पे, गंदा एयर तो क्वालिटी है उसका। बहुत सारा मतलब एयर रिपोर्ट आता है, आई क्यू एयर वाला आया, 23 वाला, सो मैं पूछ रहा हूँ, और बहुत सारा आता है एयर रिपोर्ट। पता नहीं सर, चलिए 2022 के हिसाब से कर ले, तो आई क्यू एयर की बात, संस्था जारी करती है ना, एयर रिपोर्ट कहाँ ज्यादा आता है, एक ही तो आता है। स्विस संगठन जारी करती है आई क्यू एयर, ठीक है, और भी एक एयर रिपोर्ट अच्छा, आता है एक साउंड पॉल्यूशन वाला सबसे, आता है। चलो आप बताओ सबसे प्रदूषित देशों में कौन सा नाम है? चैड, चाड, दूसरा हाँ देश पे आपका इराक है, तीसरा देश पे पाकिस्तान ने, तीसरे नंबर पे टॉप किया है भारत का स्थान, 8वें नंबर पे, हम लोग भी ठीक ठाक है, मतलब खराब स्थिति है हमारी भी, ठीक है। राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक की बात करें, नीति आयोग जारी किया है,
बड़े राज्य में गुजरात का प्रथम नंबर पे, छोटे राज्य में गोवा की प्रथम नंबर, बिहार, क्या बात है। इसमें हम लोगों ने नीचे से टॉप किया है, ठीक है। पांचवा राज्य खाद्य सुरक्षा प्रोत्साहन फसाई के द्वारा जारी किया जाता है। बड़े राज्यों में केरल पहले नंबर पे है, ठीक है, और मतलब दूसरा नंबर पे पंजाब, तीसरा नंबर पे तमिलनाडु है, ठीक है। छोटे राज्यों में गोवा, मणिपुर, ये बस इतना। बड़े राज्यों में केरल पहले नंबर पे खाद्य सुरक्षा में, बस इतना ध्यान रखिए। खाद्य सुरक्षा तो उसका बढ़िया है, ये सब दिन टॉप करता हुआ, ठीक है। नासपा छोड़ दीजिए। स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट की बात करें, कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है, ठीक है। बिहार का स्थान 19वां है, इसमें भी हम लोग नीचे से टॉप है। उत्तर प्रदेश का स्थान की बात करेंगे, 18 नंबर का है, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन की बात करेंगे तो प्रथम स्थान पे गुजरात है, ठीक है। पहले नंबर पे कौन है? गुजरात ने टॉप किया है, ठीक है। जारी कर कौन? वाणिज्य मंत्रालय जारी करता है, ठीक है। सुशासन सूचकांक कौन जारी करता है? सुशासन सूचकांक गृह मंत्रालय जारी करता है, ठीक है। गृह नहीं, सुशासन सूचकांक गृह मंत्रालय। प्रथम राज्य पे गुजरात है, ठीक है ना, वर्ल्ड आईक्यू एयर वाला। बताइए कौन सा कंट्री है उसमें पहले नंबर पे, खराब खराब पॉल्यूशन में? और इंडिया का रैंक फिफ्थ है, 8 से 5th हो गया। मतलब हम लोग और खराब की ओर जा रहे हैं ना, क्या बात। नवाचार में बात करेंगे, नवाचार में कर्नाटक को प्रथम स्थान मिला है, ठीक है। बिहार का स्थान 15 है, नवाचार हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य SDG बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है इसके, SDG का क्या होता है? सस्टेनेबल गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। नीति आयोग जारी करती है। केरल की बात करेंगे, 75 नंबर पे अंतिम स्थान फिर से हम लोगों ने टॉप किया है, ठीक है। 28वें नंबर पे हम लोग आए हैं, हमेशा नीचे से यार हम लोग, क्या बात। दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसलिए हमारे नीतीश कुमार जी कहते हैं हम ना मानते हैं सब इंडेक्स इंडेक्स को, ठीक है। दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक वो बोलते हैं ना मानते हैं, वो बोलते हैं हम नहीं मानते हैं, ठीक है। जारीकर्ता की बात करें, नीति आयोग जारी करती है गरीबी सूचकांक, ठीक है। इसमें भी हम लोग नीचे से ही होंगे बिल्कुल, ठीक है। सबसे ज्यादा गरीब भारत में है, बिहार में है सॉरी, ठीक है। 33.76 लोग जो है गरीब है, IM वन ऑफ देम, ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। जारी करता नीति आयोग है, ठीक है। कितने लोग गरीबी में है? तो 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सबसे कम गरीब की बात करें केरल में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 2015-16 से 2019-21 में 13.5 लोग गरीबी लोग जो है, गरीब लोग जो है मतलब गरीबी रेखा से बाहर आ गए, ठीक है। 13.5 करोड़ लोग जो थे गरीबी, करोड़ लोग गरीबी से मतलब बाहर आ गए, ठीक है। तीसरा तैयारी सूचकांक, ये भी नीति आयोग जारी करता है, छोड़ दीजिए इसको। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान कर्नाटक का, अंतिम स्थान बिहार का स्थान का, अंतिम स्थान का इसमें किसका है? उत्तर प्रदेश का है। यूपी का स्थान 18 नंबर, नहीं नहीं हम नहीं अंतिम, इसमें हम लोग अंतिम नहीं है, इसमें इसमें उत्तर प्रदेश अंतिम है, इसमें हम लोग 16वें नंबर पे आते हैं, हमको याद है। झारखंड किसी में अंतिम में नहीं दिखा रहा है, उसका नाम ही नहीं आ रहा है, शुरू में ना तो अंतिम में, ठीक है। क्यूएस इंडिया, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की है। पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन का है टॉप पे। भारत में प्रथम स्थान पे IIT बॉम्बे है, ठीक है। रैंक की बात करेंगे 40वां नंबर पे, ठीक है। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी आ गई, विश्व में प्रथम नंबर पे बात करेंगे तो क्या, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन का लगातार 7वीं बार इसने मतलब टॉप किया है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड ने लगातार 7वीं बार टॉप किया है। एकमात्र शामिल भारतीय विश्वविद्यालय की बात करें, IISc बेंगलुरु जो है से एकमात्र मतलब भारतीय विश्वविद्यालय द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल है, ठीक है। और बाकी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी में 40वां नंबर पे IIT बॉम्बे का स्थान है। पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन जो है टॉप पे है, ठीक है। ये सब पूछेगा एग्जाम में, इसलिए इम्पोर्टेंट, इसको एक बार सभी लोग देखिएगा। अब आते हैं कुछ मतलब कौन सा मतलब जारी करता है, ठीक है। वैश्विक पेंशन सूचकांक मर्सर CF इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है? हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वेल्थ हंगर हिल पे जारी करता है, बहुत सुंदर। वैश्विक नवाचार इंडेक्स कौन जारी करता है? तो बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब विश्व ऊर्जा सूचकांक, ठीक है, पूछा जाता है बार बार, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी करता है WEP, क्या नाम है, सॉरी WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मतलब जारी करता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलेंगे, ठीक है, विश्व निवेश रिपोर्ट की बात करते हैं, यही बोल रहा था, ठीक है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट पूछे ना, अनकार्ड जारी करती है विश्व निवेश रिपोर्ट, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कौन जारी करता है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कौन जारी करता है? पार्टनर्स, बिल्कुल, कौन जारी करता है? तो हेनले एंड पार्टनर जारी करता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और इसमें टॉप डेस्क भी आप लोग को याद है क्या?
सिंगापुर और जापान। यूनिकॉर्न रैंकिंग में पहले नंबर पे कौन है यूनिकॉर्न के रैंकिंग में? यूएस अमेरिका। बिल्कुल ठीक है, अमेरिका सबसे पहले। इंडिया का रैंक चार है, ठीक है, चार नहीं तीन है इंडिया का रैंक यूनिकॉर्न में, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बात करेंगे, ग्लोबल इंडेक्स में प्रथम नंबर पे कौन है? इसको छोटा करके बनाना पड़ेगा, नहीं ग्लोबल बात के, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में प्रथम नंबर पे बेलारूस है, ठीक है, शीर्ष में, ठीक है। अब भारत का रैंक कितना है ग्लोबल हंगर में? 111, ठीक है। यूनिकॉर्न में इंडिया का रैंक कितना है? यूनिकॉर्न में इंडिया का रैंक तीसरा। नवाचार में इंडिया का रैंक कौन सा? नवाचार में 40 है। नवाचार में कितना है? 40 है, ठीक है। नवाचार का प्रथम रैंक किसका है भारत का नवाचार में? नवाचार में पहला नंबर किसी का? बिहार का है, कर्नाटक, कर्नाटक का है, बिल्कुल कर्नाटक का, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच जारी करते स्वीडन का प्रथम नंबर पर स्थान पे, भारत का स्थान कितना है? 67। शांति सूचकांक भी बात करेंगे तो आइसलैंड प्रथम नंबर पे, भारत का रैंक कितना है? 126। विश्व निवेश रिपोर्ट की बात करेंगे तो अमेरिका पहले नंबर पे, भारत निवेश में कितने नंबर पे है? पासपोर्ट इंडेक्स की बात करेंगे, सिंगापुर का पासपोर्ट जो है सबसे मतलब वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है, ठीक है। भारत का रैंक कितना है? 80। अब नया वाला रिपोर्ट आएगा ना तो उसमें भारत का पासपोर्ट और भी मजबूत होगा कि दो तीन नेशन ने, ठीक है, हाल फिलहाल भारत को ना मतलब वीजा विदाउट वीजा मतलब यात्रा करने की अनुमति दी है, ठीक है। तो हमको लगता है अच्छा सुधार हो जाएगा इसमें। हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो साल में कितने बार जारी किए जाते हैं? चार बार, ठीक है, चार बार जारी किए जाते हैं। कितने बार जारी किए जाते हैं? चार बार जारी किए जाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कितने बार? चार बार, ठीक है, चार बार जारी किए जाते हैं, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप की बात करेंगे तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी होते आइसलैंड पहले नंबर पे, भारत का स्थान 127 पे, ठीक है, 2022 में 135 पे थे हम लोग, ठीक है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक के द्वारा आईएमडी के द्वारा जारी करें डेनमार्क पहले नंबर पे, भारत जो है ना 40 नंबर पे आता है। सतत विकास रिपोर्ट छोड़ दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा इंपोर्टेंट है, ठीक है। यूएस के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी होता है, अमेरिका पहले नंबर पे, ठीक है, बौद्धिक संपदा में अमेरिका पहला नंबर पे, ठीक है। अब भारत 42वां नंबर पे, ठीक है। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स की बात करने के लिए चांडलर इंस्टीट्यूट जारी करते सिंगापुर पहले नंबर पे, भारत जो है क्या 57 नंबर पे आ गया गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करती है फ्रांस की एजेंसी, ये भी ध्यान में रखिएगा फ्रांस की संस्था है, ठीक है। नॉर्वे पहले नंबर पे, भारत का रैंक कितना है? 150 से हम लोग आ गए कितने नंबर पे? 161 नंबर पे। लॉजिस्टिक प्रोफाइल से बात करेंगे तो विश्व बैंक की बात करेंगे द्वारा जारी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा जारी होती है। सिंगापुर की बात करेंगे, ठीक है, कितने नंबर पे? प्रथम नंबर पे सिंगापुर है, ठीक है, 38वां नंबर पे हम लोग आ गए, ठीक है। और लॉजिस्टिक में हमारे यहाँ सबसे अच्छा लॉजिस्टिक वाला राज्य कौन है? तो गुजरात, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मतलब बहुत फास्ट वहाँ पे लॉजिस्टिक। बिहार कितने नंबर पे? 22 ना, बिहार नीचे से टॉप होगा, कितने नंबर पे? इतना होप लूज नहीं करना चाहिए, शायद 22 नंबर पे। नहीं देखिए, पहाड़ी राज्य सबके लॉजिस्टिक बहुत खराब होता है, नॉर्थ एंड ईस्टर्न राज्य का लॉजिस्टिक बहुत खराब होगा, बिहार समतल भूमि वाला है तो ठीक ठाक रैंक होना चाहिए, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। वैश्विक दास्ता सूचकांक मानवाधिकार समूह वाक फ्री, ठीक है, इसमें बात करेंगे सबसे ज्यादा मतलब दास्ता से मतलब फ्री कौन नहीं है, मतलब सबसे ज्यादा गुलाम कौन है? उत्तर कोरिया, ठीक है, भारत में डेमोक्रेसी इसलिए भारत का कोई रैंक नहीं है, ठीक है। द हेरिटेज आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया सिंगापुर है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक भारत के रैंक की बात करें 133 है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स कुरून के द्वारा जारी करते हैं, अमेरिका प्रथम नंबर पे, तीसरा भारत नंबर पे, दूसरा नंबर पे सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कहाँ पे है? चाइना में। कितने कितने कैपिटल की कोई कंपनी हो जाती है तो उसको बोलेंगे से चलो ये भाई ये बन गया आप मतलब ये यूनिकॉर्न बन गया? नहीं बच्चा, 1 बिलियन, 1 बिलियन है ना, 1 मिलियन या फिर 1 बिलियन, 10 मिलियन, 1 बिलियन, 10 मिलियन थोड़ी ना 1 बिलियन होता है, 100 मिलियन होता है, गलती 100 मिलियन जो होता है 1 बिलियन होता है, 1 बिलियन होगा इसमें इंडिया, ये यूनिकॉर्न बनने के लिए 1 बिलियन की कंपनी होगी, 1 बिलियन। अरे कितना होना चाहिए, 100 कितना होता है, आप लोग कितना बता रहे हैं? ठीक है सर, 10 मिलियन बराबर 1 बिलियन। अरे 10 मिलियन बराबर 1 मिलियन नहीं होता है, 100 मिलियन बराबर 1 मिलियन ना, देख लेता हूँ, 1 बिलियन होता है, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ हो गया, हाँ 1 करोड़ हो गया वो, ठीक है, 100 हो जाएगा सर, 100 मिलियन 1 बिलियन में 1000 मिलियन लिखा हुआ गूगल, उससे ज्यादा नहीं,
सही है, थोड़ा जल्दी हो गया। मिलियन, हंड्रेड मिलियन मतलब नहीं है, यूनिकॉर्न बनने के लिए 1 बिलियन होना चाहिए। ठीक है चलिए, नहीं 10 बिलियन होना चाहिए, 1 बिलियन होना चाहिए। बिलियन करता हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी कैपिटल नीड टू बी ए, और 1 बिलियन होना चाहिए, 1 बिलियन डॉलर यूनिकॉर्न, 1 बिलियन डॉलर ही था, 1 बिलियन डॉलर हो गया सर, होगा द राइट आंसर। ठीक है, $1 बिलियन इंडियन करेंसी की बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है, $1 बिलियन। ठीक है, अब हम बताइए पहला आईपीएल टीम बताइए जो कि मतलब यूनिकॉर्न बनी, सीएसके। ठीक है, आपका फिजिक्स वाला जो है ना वो भी यूनिकॉर्न बन गया, आपका ये क्या बैठा है क्या अनअकैडमी है ना वो भी यूनिकॉर्न बन गया है, बायजूस भी यूनिकॉर्न है, हालांकि सबकी स्थिति बहुत खराब है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ठीक है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में हम लोग ठीक ठाक खुश है, लेकिन 136 देशों में 126वें स्थान पे, बहुत खराब स्थिति है हमारी। ठीक है, रखेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करेंगे, आईक्यू एयर के द्वारा स्विस फॉर्म के द्वारा जारी कर चार्ट का स्थिति सबसे खराब है, भारत की स्थिति की बात करेंगे 8वां नंबर पे, कितने नंबर पे भारत, 8वां नंबर पे, भारत 5वें नंबर पे आ गया है। ठीक है, 2022 में बच्चा 5वां नंबर पे था, ठीक है, 2008 में 8वां नंबर पे ही है, 2023 का रिपोर्ट में आया था 8वां नंबर पे, 2022 में 5वां नंबर पे है। अब 2023 से 22 में जाना चाहती है, ऊपर दिया था इसको, 2022 से 23 में आना चाहती है, किधर जाना है, 23 से 22 में जाना है सर। हाँ, तो फिर तो 8वां नंबर याद, अरे यार आज बर्बाद हो गए, क्या कर रहे हो तुम, अडानी पावर को पूरा बर्बाद कर दिया, पॉलिटिक्स की बात मत कीजिए यहाँ पे। ठीक है, अडानी देश की अर्थव्यवस्था का जड़ है। ठीक है, 20,000 रुपया साला नुकसान हो गया, कौन है ये, नाम बताए थे इसको, हरिओम था ना ये, पते नहीं चल रहा है, रिमूव कर दिए। ठीक है, यहाँ पे किसको रिमूव कर दिया सारा जो नहीं था उसको, गौरव नहीं था, कौन था, गौरव था, भाग गया सर गौरव डर से, आप गाली कौन दिया, आप दिए हो, अब एक बार फिर से बोलना, मैंने गलत आदमी को रिमूव कर दिया क्या, हम नहीं दिए, हम नहीं दिए, नहीं इसका आवाज नहीं था, ठीक ठीक, वो दूसरा रसाई आदमी को रिमूव किया है। यहाँ पे हावी होने का कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है, हम 10,000 पे हम अकेले हम हावी रहते हैं, ना तो तर्क में, ठीक है, ना तो नॉलेज में, किसी में आप हमको वो नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ पे दिखा रहे हो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, ऑलरेडी 2 लाख रुपया लॉस करके हमें पे बैठे हुए हैं, क्रिप्टो में 2 लाख रुपया लॉस करके बैठे हुए, क्या मेरे से किसी में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज मत कोशिश कीजिए, हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम सब कुछ करके हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सब ये फालतू ग्रुप नहीं है। ठीक है, वन एंड ओनली सब कुछ मैनेज करके हम यहाँ पे चलते हैं, तो ये चीज मत दिखाइएगा, ये है वो है, कोई भी आदमी को बोल दे रहा हूँ, मैंने शुरू में जब ग्रुप बनाया था तो हम लिखे थे ग्रुप प्रकृति में डेमोक्रेटिक दिखता है, ठीक है, लेकिन डेमोक्रेटिक है नहीं। ठीक है, कैनेडियन मॉडल पे चलती है ग्रुप, सशक्त केंद्र के साथ, सर ऑटोक्रेसी है सर, बिल्कुल देखने में डेमोक्रेटिक लगती है लेकिन है ऑटोक्रेसी। टेलीग्राम तो जितना डेमोक्रेटिक है ना डिसेंट्रलाइज्ड उतना ही ज्यादा ऑटोक्रेटिक भी है, देखने में टेलीग्राम से ज्यादा डेमोक्रेटिक कोई नहीं लगता लेकिन उतना ही ज्यादा ऑटोक्रेटिक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिमूव करने का पावर है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप किसी को मतलब मैसेज का पावर खत्म कर सकते हैं, इतना अधिक पावर है, मतलब म्यूट ही कर देता है ग्रुप में, हाँ, तो ये सब कोशिश ना करें। ठीक है, मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं, चलिए आपकी एक गलती आपके लिए बहुत ही ज्यादा, इतना सब पढ़ रहा था रिप्लाई भी सही कर रहा था तो नुकसानदेह साबित हो सकता है, डिसिप्लिन शुड बी ऑलवेज मेंटेन्ड, तो मैं उसको वायलेट करूंगा ना तो आप करोगे, कोई भी लोग नहीं, और ये बर्दाश्त भी नहीं की जाएगी खास करके मेरे ग्रुप में। चलिए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की बात करेंगे, अफगानिस्तान सबसे टॉप पे, ठीक है, 13वां नंबर पे भारत की बात है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हम तो यहाँ पे इस बात के लिए रिमूव कर देते, कोई किसी को इन्वाइट मार देता है, ठीक है, किसी का नाम ले लेता है,
ये सब बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। नाम भी नहीं लेना नहीं, किसी का नाम नहीं ले सकते, जो भी बात करना है हमसे इंटरेक्ट कीजिए, मेरे से पूछे, मेरे से पूछेंगे, ना तो आप किसी को मैसेज करेंगे नहीं तो किसी मेंबर का भी नाम लेंगे, ठीक है, ये सब नियम है यहाँ का। तो बच गए, अभी हम नाम लेने वाले थे। दिक्कत हो सकता था आपके साथ, ठीक है, हम बात करेंगे ग्लोबल फायर इंडेक्स की बात करेंगे 2023 में, ठीक है, ग्लोबल फायर पावर के द्वारा इंडिया जानते हैं चौथा नंबर पे है, तो पहला दूसरा तीसरा नंबर पे कौन सा नेशन है बताइए। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स चौथा पे है, यूएसए, चाइना है और जापान। हाँ, यूएसए चाइना है, तीसरा पे जापान नहीं आएगा, रसिया आएगा, ठीक है, कौन आएगा, यूएसए चाइना रसिया। अगर एशियन पावर में बात करेंगे तो इंडिया का रैंक कौन सा आएगा एशियन पावर में, पहला आ एशियन पावर में भी इंडिया का रैंक चौथा ही है, ठीक है, एशियन पावर में भी चौथा है, ग्लोबल पावर में भी चौथा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए एशियन पावर इंडेक्स में, बोलोगे सर एशिया पावर इंडेक्स में कैसे इंडिया का रैंक होगा, तो एशिया में भी उतना ही स्ट्रॉन्ग मतलब आपको देखने को मिलेगा अमेरिका, उतना ही स्ट्रॉन्ग रशिया देखने को मिलेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, चाइना देखने को मिलेगा, फिर भारत का चौथा नंबर पे आता है, मतलब ग्लोबल पे भी मतलब ये लोग काफी पावरफुल है और एशिया में भी काफी पावरफुल है, एशिया में फिलीपींस हो गया, डिगो गार्सिया हो गया, सब जगह पर मतलब अमेरिका का मतलब वहां पे देखेगा तो उसका मतलब क्या है, क्या बोलते हैं उसको, मिलिट्री बेस है बहुत जगह पे, हाई मिलिट्री बेस है, इस वजह से मतलब बात करेंगे तो ये काफी पावरफुल है, ठीक है। एशिया पावर इंडेक्स की बात करें, लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा जारी किया जाता है, भारत का रैंक चौथा ही, अमेरिका यहाँ पर भी टॉप है, वर्ल्ड में भी टॉप है, ठीक है। आप बोलोगे सर अमेरिका तो एशिया में तो आता नहीं है, लेकिन उससे मतलब नहीं है, अमेरिकन गवर्नमेंट इतना पावर रखती है किसी भी कंट्री में कू करवा सकती है, कू समझते है ना, हाँ, मिलिट्री को, हाँ, क्या होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को मतलब डिसाइड करके वहां पे मतलब क्या होता है मिलिट्री शासन स्थापित कर देना, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में कहाँ पे कू हुआ आपका, किसी पड़ोसी देश में अभी हाल फिलहाल में कू हुआ है, कहाँ पे कू हुआ है, में भी है और सुडान में भी चल रहा है, उधर सुडान का पड़ोसी देश है, नाइजर में, नाइजर, हाँ, या नाइजीरिया कुछ, म्यांमार अपने पड़ोसी देश में बात करें, म्यांमार में, ठीक है, जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट एक्शन, पाकिस्तान में कू तो नहीं था, पाकिस्तान में, हाँ, गवर्नमेंट गिरा दिया था, तो बोल रहा था कि हाँ हो सकता है वहां पे जैसे वहां पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड नेशन है वो, ठीक है, हाँ, वो तो जब समझ सकते हैं, उस देश का पहला प्रधानमंत्री जिस साल बना, जो कि मतलब द्वितीय स्तर का उस देश का सबसे बड़ा नेता था, क्या नाम था, प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान, उसका जब हत्या कर दिया गया तो क्या ही अर्थ किया जा सकता, सर ये वही लियाकत अली थे ना जो इंडिया में पहले मंत्री बने फिर पाकिस्तान में चले गए, हाँ हाँ वही 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 प्रथम प्रधानमंत्री बना था, ठीक है, 9+5 का बना था ना, 9+5 जो बना था, 5 को मुस्लिम लीग से चुना गया था, उसमें लियाकत अली भी थे, ठीक है। जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट नेशन के द्वारा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन जारी होता है, ठीक है, डेनमार्क जो था, ठीक है, इसमें मतलब प्रथम स्थान पे, भारत का स्थान की बात करें 8वां है, ठीक है, ये बहुत अच्छा है, ठीक है, वैश्विक खाद सूचकांक, ठीक है, इकोनॉमिक इंपैक्ट लंदन के द्वारा जारी करते हैं, हम लोग 7वां नंबर पे, फिनलैंड पहले नंबर पे, ठीक है, फिनलैंड की बात करेंगे, डेनमार्क की बात करेंगे, या फिर बात नॉर्वे की बात करेंगे, आइसलैंड की बात करेंगे, सारे के सारे स्वीडन की बात, सारे के नॉर्डिक नेशन में आते हैं, ठीक है, जो भी इंडेक्स वगैरह निकलता है इसमें ये टॉप करते हैं ये लोग। अब क्या वैश्विक ये आपको, हाँ, लोकतंत्र सूचकांक में देखें, इकोनॉमिक्स ये किसके द्वारा जारी होता है, इकोनॉमिक इंटरनेशनल इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, नॉर्वे पे पहले पे है, लोकतंत्र सूचकांक में हम लोग 46 नंबर पे आते हैं, ठीक है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक ये भी इंपॉर्टेंट पूछता है, किसके द्वारा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, डेनमार्क पहले नंबर पे, ठीक है, हम लोग कितने नंबर पे आते हैं, 50वां नंबर पे आते हैं, ठीक है, किसके द्वारा, 50वां नंबर पे आते हैं, ठीक है। द वेल्थ रिपोर्ट कौन जारी करते हैं, नाइट फ्रैंक जारी करते हैं, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, हम लोग तीसरे नंबर पे वेल्थ रिपोर्ट में, ठीक है। अमेरिका की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है अमेरिका जो है पहले नंबर पे ही आएगा, ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच जारी करती है, ठीक है, डेनमार्क पहले नंबर पे है और 180 में से हम लोगों ने 180 स्थान को प्राप्त किया, व्हाट अचीवमेंट, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जारी करती है, ठीक है, और ध्यान रखें दिल्ली छोड़िए हटाइए इंपोर्टेंट नहीं है, हाँ, क्रिप्टो में हम लोग चौथे नंबर पे आ गए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे वियतनाम पहले नंबर पे है, तो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन में बात करेंगे भारत का स्थान चौथा गया, इंपोर्टेंट है, चर्चा में था, पूछ सकता है आपसे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के द्वारा ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान 48वां नंबर पे सेफ्टी में, पहला नंबर पे किसका है, तो पहला नंबर पे सिंगापुर का, तो ये सारे इंडेक्स वगैरह है,
जो पढ़ेंगे कल आर्थिक समीक्षा आएगा क्या एग्जाम में? हमको नहीं लगता आर्थिक समीक्षा पूछेगा, लेकिन फिर भी आप बोलोगे तो मैं करवा दूंगा आर्थिक समीक्षा, लेकिन कल हम लोग करेंगे ठीक है। आपका समाप्त हो जाएगा हमको लगता है 8-10 दिन पढ़ के पूरा, हम एक बार अच्छे से इसको समाप्त कर देंगे, और जो भी पढ़ा हुआ है सो एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं कल, और आप लोग सभी लोग आइए, 12 बज रहा है ना, कितने बजाएंगे? 3 बजे आइए सभी लोग फिर से पॉलिटी के क्लास में। 4 बजे सर जा रहे, सब दिन के लिए नहीं जा रहे, 3 बजे आएंगे ठीक है। अरे आप नाम चेंज कर लिए क्या? पहले आप किसी और नाम से आते थे, आपने नाम चेंज किया है? नहीं सर, मेरा तो यही नाम है। नहीं, आपका आवाज सुना सुना लग रहा है मुझे, इसलिए बोला हूँ ठीक है। नहीं, आर्थिक समीक्षा से करवाना है ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा सभी लोग, आइए 3 या 4 बजे मैं टाइम डाल दूंगा, उसी समय आप लोग आइएगा ठीक है। चलिए तो 3 से 4 बजे के बीच में आप लोग आना है, पॉलिटी के लिए आना जरूर आइए, और ये जो पढ़ाया अभी इसको आप लोग देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी अगर आपको चाहिए होगा तो। और चलेंगे आगे, कौन सी क्लास?